wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. യുഗങ്ങളുടെ പാറയേ സ്തോത്രം 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 ഉയർന്നു പൊങ്ങിയുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ വാണരെഴുന്നവനേ സ്തോത്രം 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 നിത്യതയോട് കൂടെ പാർക്കുന്നവനേ സ്തോത്രം 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 നാൾതോറും ഞങ്ങളുടെ ഭാരത്തെ വെക്കുന്നവനേ സ്തോത്രം 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 ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്മേൽ വഹിക്കുന്നവനേ സ്തോത്രം 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 നിത്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തുതി ഹോ സ്തുതി ഹോ തേരി സ്തുതി ഹോ സ്തുതി 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 സർവശക്തിമാൻ പരമേശ്വര തേരി സ്തുതി തേരി സ്തുതി തേരി സ്തുതി തേരി സ്തുതി തേരി സ്തുതി അതി ഉജ്ജ സിംഹാസന പർ വിരാജമാന യഹോവാ തേരി സ്തുതി തേരി സ്തുതി തേരി സ്തുതി തേരി സ്തുതി ഹോ തേരി സ്തുതി ഹോ ഹേയുഗോക ചട്ടാൻ തേരി സ്തുതി ഹോ തേരി സ്തുതി ഹോ തേരി സ്തുതി ഹോ തേരി സ്തുതി ഹോ ദിൻവാ ദിനവാര ഭോജുധാര വരവരേശ തേരി സ്തുതി തേരി സ്തുതി തേരി സ്തുതി തേരി സ്തുതി തേരി സ്തുതി അമാര തസ്വീർ കൊ തേര ഹത്തേ വി പർ ഹരവാരി तेरे हृदय में रख कर प्रभु हमारे लिए सदा जीवित रहता है तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो महिमा 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 ये तो मैं परमेश्वर तेरी महिमा हो महिमा 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 सारी महिमा सारी पृथ्वी पर फैला तेरी महिमा तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा हो तारीफ 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 सारा अधिकार सारी शासन सारी प्रभुता अपने मुट्ठी पर रखने वाला हालेलुया त्रय परमेश्वर तेरी तारीफ 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 वंदना 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 करते हैं तेरे जन वंदना करते हैं स्वर्गदूतों के साथ वंदना सिराफों के साथ करुणों के साथ प्राचीनों के साथ वंदना करते हैं वंदना 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 झुक कर वंदना झुका कर वंदना दंडवत कर कर वंदना 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 उपास रहो उपास रहो उपास रहो जबकि सारी सृष्टि तरतराते हुए निरंतर तेरी उपासना करते वो कलीसी आती है सियोन कुमारिया आती है हालेलुया दोती सियोन का राजा हालेलुया सिंहासन पर विराजमान है सियोन के राज्य के दीप पर हालेलुया वो राज कर रहा है फाड़ दिया हुआ शरीर के कारण हालेलुया प्रभु
कलम आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए आते हैं, कोटि 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 धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए आते हैं प्रभु, और ये चिल्लाते हुए कि तू योग्य है, योग्य है, तू ही योग्य है, आते हैं प्रभु। अब तैयार कर इतने पवित्र परमेश्वर वो शोभाय मान प्रभु जलाकर बस बनाते हुए आखिरी समाज से बने परमेश्वर तेरी आराधना के लिए मनुष्य अपने आप को कैसे तैयार कर सकता, वो पवित्र आत्मा की सहायता भेजते सबसे पहले इस पापी को, इस बलहीन मनुष्य को, इस कमजोर इंसान को तैयार कर प्रभु, मुझको धो ले प्रभु, मुझको और एक बार धो ले, सर से पैर तक शुद्ध कर प्रभु, भीतर बाहर धो ले प्रभु, पाप की दाग भी मिटा ले प्रभु, ऐसे बना एक सफेद है, एक पाप भी कभी नहीं किया सफेद वाल होकर तेरे चुने में संतों के साथ आराधना करने के लिए तुम उनके तैयार कर, वो तेरे पवित्र जन आए आने पर उन्हें भी तैयार करते जाए, हालेलुया तेरी आराधना उचित रीति से करने के लिए, पवित्र आत्मा में करने के लिए हरे तू तैयार कर प्रभु, ओ हालेलुया तेरे पवित्र मस्त दिया हाँ बना कर रहे प्रभु, उसके कारण सारे इलाका पवित्र मकान पवित्र है, कमर पवित्र किया जाए, परमेश्वर की आराधना के लिए अलग किए हुए पवित्र निवास स्थान है, पवित्र आत्मा मंडरा तेरे स्वर्गदूतों से गहरे हुए पूरे स्वर्ग के नीचे हो, तेरी महिमा का दर्शन करके तेरी आराधना करना चाहता प्रभु, इस आराधना में दे दे चल प्रभु, ये हमारी आराधना स्वर्ग की आराधना पे बनते दिए जाए, तुझे प्रसन्न कर तुम्हारी आराधना हो, ये कुछ बुधार प्रभात समय के होम बली सा परमेश्वर को पुछेरने वाला और परमेश्वर के सम प्रसन्न करने वाली आराधना हो, इस आराधना का विरोध करने वाली हर तरह के अंधकार की शक्तियों को, हर दुष्ट आत्मा सेना को यीशु का अद्भुत नाम में और परमेश्वर की ओर से पाया हुआ अभिषेक और अधिकार से मैं डांटता हूँ, हम पवित्र आत्मा की आसानी में आराधना करेंगे, पवित्र आत्मा की सहायता से करेंगे, हमें चला आदि से अंत तक गए पवित्र आत्मा में चला, तेरे मर्जी के हमारे बीच में तू कार्य कर, हमसे बातें कर, हमें छूले और संपूर्ण राज्य के का पिछे गुंडी स्वर्गीय उस वर्षा दे तेरे जन को भजन हो, गीत हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विनती हो, ये विचार या नजर यो सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार तेरे नाम अति महिमा पाए, तेरे राज्य हमारे जीवन में आए, हमारे बीच तेरी इच्छा पूरे किए जाए, तेरे जीवन में, परिवार में, कलीसिया में, हमारे देश तेरे जन को बहुत आशा हमें खिला और पिला, हमारा पालन पोषण हो जाए, तेरे हाथ से लगाए हुए पौधे हम हैं, तेरे आंगन में हम फूलेंगे फलेंगे, महिमा तेरी होगी सदा के लिए, यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं। पिछले द्वार को हमने 102 वचन से 14 वचन पढ़े थे, 102 वचन से 14 वचन हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, कई बार हम ये पढ़े हैं, क्योंकि तेरे दास उसके पत्रों को चाहते हैं और उसकी धूल पर तरस खाते, किसकी सियोन, सियोन से इतना प्यार, कलीसिया से इतना प्यार, इतना लगन, इतना चिंता भी है, मैं सोचता कि अगर ये मकान बन गया है कि उसका वो कलर भी मारा है तो धूल कहाँ है, टूट पड़ा है तो धूल है नहीं है, दरार आया तो धूल है नहीं है, गिर पड़ा तो छोटे छोटे पत्थर है, उससे भी हमें प्यार है, जब
वो उतना प्यार करता, परमेश्वर जो अति ऊंचाई में विराजमान है, उसने अपने बेटे को सिय्योन के राज्य के दिन में राज करने के लिए बिठाया है। जब हमारे दिल में इतना प्यार और इतनी आकांक्षा उत्पन्न होती है तो वो उड़ के बनाएगा। इसलिए दाऊद ने कहा तू उठेगा, सियोर के शहर पनाह को दोबारा बनाएगा, फिर हम बलि चढ़ाएंगे तो तू प्रसन्न होगा। नहीं है क्यों परमेश्वर के जन सियोन से इतना प्यार करते हैं? परमेश्वर यहोवा के विषय में हमने पिछले दिन देखा, अति ऊंचाई पर विराजमान परमेश्वर है। अति ऊंचाई पर विराजमान परमेश्वर को जानने वाला सही चुन लेता है। कि हमें लगा कि वो थोड़ा गलत लिखता, चूज राइट लिखना चाहिए, सही चुनो ऐसे लिखना चाहिए, वो नहीं है। चूज द राइट में फर्क है, चूज राइट और चूज द राइट में बहुत फर्क है। अभी आप कोई तरकारी खरीदने के लिए जाते हैं, सॉरी एप्पल खरीदने के लिए जाते हो, ऐसे एप्पल को स्टाइल में पिरामिड जैसा बना के रखा है, नहीं है? बीच में से मुझे देख देख ऐसे नहीं करना, आपको जो पसंद का है सही चुन लो, नहीं है? अगर आपको सबसे अच्छा एप्पल चुनना है वो चूज द राइट है। चूज राइट का मतलब है विधि के अनुसार, क्रम के अनुसार कार्य करना। चूज द राइट का मतलब है सही चीज को, चाहे कुछ भी हो जाए, चुन लेना। तो ये सही चीज को चुनने के लिए हम सही परमेश्वर को जानना और उसके महत्व को भी जानना अवश्य है। ये बात हमने देखा था, बहुत शीघ्र गति से आज पढ़ना होगा, बहुत सारे वचन है कि मैंने उसमें से कुछ खाटा नहीं, जितना सा वचन आया वो सब मैंने इधर लिख के रखा। और एक विवादास्पद विषय भी है तो मैं सोचा कि पवित्र शास्त्री बात करते थे, जो भी गलती मुझसे होता मुझे माफ करे। और दूसरा एक बात है कि इधर प्रकाश भाई नहीं दिखाई देता, वो गाँव गया। तो सारा वचन अगर एक आदमी को पढ़ना पड़े तो क्या हालत होगी, उसका डबल लंच देना पड़ेगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कुछ कुछ पढ़ने के लिए। माइक एक ही होगा ना, तो माइक लेके रखो, क्योंकि तो कम आवाज में पढ़ो, माइक उसका काम करने दे, ठीक है? अभी नहीं पढ़ना, मैं जब बोलूंगा तब, ठीक है? नौवा वचन से हम 13 और 14 पढ़ते हैं। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख, जो मेरे बहरी मुझे दे रहा है। ये आदमी जग का जो जगह भी सही नहीं है, मृत्यु के फाटक पे वो है, दुख से भरी हुई है, उसका दिल बहुत भारी है, वो इसे खुशी मनाने की अवस्था में नहीं है। सच मैन कैनॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी एक्साइटेड इन गॉड्स प्रेजेंस। मैंने एक परमेश्वर का, एक महान परमेश्वर के दास, उसे मैं बहुत, उसका मैं बहुत आदर करता, उसने आज एक बात कहा, वो मेरे हृदय को छुआ। वो कहते सब लोग कहते हैं आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैं सच कहता हूं मैं इसे आनंदित रह नहीं पाता, मेरा जीवन दुख से भरी है, मेरे जीवन को तड़पाने वाले अनेक अनेक समस्याएं मेरे लोगों के बीच में है, मेरे रिश्तेदारों में है, मेरे कलीसिया में है, अनेक लोग इतना बोझ उठाकर चलता, तो कभी कभी मैं रोता रहता दिल में। ये मनुष्य का अनुभव ऐसा है, वो टूट पड़ा है, उसके सहायता करने के लिए कोई नहीं है। देयर इज एनीवन स्टैंडिंग विद हिम, नहीं, He is at the gate of hell. He is surrounded by people who hate him. नहीं है? Lift me up from the gates of death. मृत्यु के ये फाटक से मुझे उठाकर अब इसी वक्त में कहा लेके जाना, सियोन के फाटक में ले चला। Amen. That I may recount all your praises that in the gates of the daughter of Zion, सियोन कुमारियों के घर के फाटक में आनंद है, हिम्मत है, आशा है, जीवन है, बहुत तरह का जीवन है। I love the gates of Zion. Hallelujah. यहाँ मैं जीवन पाता हूँ। Amen. I am revived and more than revived. Hallelujah. ये भक्त का प्रार्थना है। हालेलुया, ये सियोन के फाटक तक पहुंचे, जीवन बदल जाएगा, रूपांतर होएगा। हालेलुया, वही परमेश्वर का भक्त कहते हैं, परमेश्वर के जन के बीच में आता मैं बदलता है। भाई अपना सैमुअल को क्या कहता, शमूएल ही कहता, शमूएल ने कहा सारी चीज में तकलीफ हो रही मुझे, राजा पहला राजा शाऊल को,
तू कैसा भी हो, नबूवत करने वाले नबियों के साथ मिलकर तू चलोगे, तेरा रूपांतर होगा ही। परमेश्वर के लोगों का जीवन का नींव कलीसिया, इसीलिए परमेश्वर के जन सियोन से प्यार करता है। यह कहता मेरा मृत्यु का अनुभव से मैं जीवन का अनुभव में मैं पहुंचाया जाएगा। I will be translated from the experience of death into the joy of life. जीवन की खुशी में मैं प्रवेश पाऊंगा। हम आगे पढ़ते हैं, आज बहुत शीघ्र गति से चलना चाहिए, इतना अगर वचन पढ़ना है तो दो भाग तीन भाग क्षेत्र में चले जाता है। पहला तीन वचन हम पढ़ते हैं, इसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर यहूदा में जाना गया, उसका नाम इसराइल में महान हुआ है। क्या बाकी लोग उसका नाम कभी नहीं सुना है? क्या उसको कोई दिलचस्पी नहीं है? उसको बाकी लोगों की प्रशंसा में, बाकी लोग जो उसको तारीफ करते हैं उसमें उसको ज्यादा खुशी नहीं है। He wants to be lifted up and be enthroned on the praises of his people. अपने लोगों की स्तुति को ऊपर उठाया जाता और उसके ऊपर वो विराजमान होकर रहना चाहता है। उसको उसकी कलीसिया में सियोन के बीच में प्रसिद्ध होना। आमेन। सियोन कुमारिया जब उसको महिमा देती है वो आनंदित हो जाता है, वो स्तुति बलि को वो ग्रहण करता है, उनके धन्यवाद की बलि को वो ग्रहण करता है, वो खुश होता है। यहां ऐसा लिखा है कि उसका मंडप शाले में उसका दाम सियोन में है, अति ऊंचाई में विराजमान जरूर है, लेकिन उसका मन जो है ना, उसका हृदय जो है ना, सियोन कुमारियों के बीच में है। वो घायल हो सकती है, अमर टूटी हुई है, अमर पीसा हुआ है, अमर कभी कभी मृत्यु के द्वार पर लेटी है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र का हृदय अमन सियोन में है। इसलिए परमेश्वर के जन सियोन से प्यार करता, दूर से भी प्यार करता, अमन छोटा टूटा वो पत्थर से भी प्यार करता, क्योंकि वो सियोन का भाग है। अमन वहां उसने चमचमाते तीरों को और डाल और तलवार को तोड़कर लड़ाई को तोड़ डाला है। अमें वो लड़ता वहां से, आसमान से नहीं, तारों में से नहीं, सियोन से लड़ता। आपका हाथ मेरे बलहीन हाथ को वो बहुत बड़ा हथियार बनाता है, हमारे बच्चे लोगों को तीर बनाता है। अमें लड़ाई यहां से करती है वो, इसलिए लिखा है वो अपना राजदंड सियोन से बनाता है। अमें 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 सियोन से राजदंड बनाकर यह राजकुमार राज्य कर रहा है। तो परमेश्वर यहोवा के लिए इतने महत्वपूर्ण जगह है सियोन, अति खुशी से वो वहां विराजमान बनकर रहता है। इसलिए परमेश्वर का जन उसे प्यार कहना नहीं चाहता, नहीं करोगे सह कलीसिया के ऊपर आरोप भी लगाते जाते हैं, कलीसिया में जाते भी नहीं है, सब कलीसिया में गलतियां। How stupid people can be under the influence of the devil, दुष्ट शैतान के प्रभाव में आकर लोग अपने आप को इतना मूर्ख बना देता है। Some people know they are fed and they get revived in the house of the Lord. कुछ लोग जानता है कलीसिया में उनका पालन पोषण होती है। इतना भी आप बंद कमरा में 40 दिन उपवास रखो बहुत अच्छी बात है, but God will send his message sometimes to the church, कितना भी छोटा कलीसिया क्यों ना हो।
कितना भी अनपढ़ परमेश्वर के दास होकर सेवकाई क्यों न करते हो, परमेश्वर को वचन कहते आई विल स्पीक टू माई पीपल टू बी अनॉइंटेड. तो यहाँ सियोन में से वो सिर्फ सियोन में शांति देने वाला ही नहीं है, आंसू पोंछने वाला, घोर लड़ाइयों को लड़ते हैं वो. अमन 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 अमन. The most frail man on his knees may become an atom bomb in the hands of Jesus. सबसे कमजोर मनुष्य जब घुटने पे आता वो यीशु के हाथ में दुश्मन को चकराचूर करने वाला एटम बम बनता है. यह सियोन की कुंभी वहां से वहां आगे बढ़ता हमारा विषय वो नहीं है. हम वहां से आगे बढ़कर 132 में चले जाता. 132 में हमें 13 और 14 पढ़ना नहीं है? आया मैं. क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया और उसे अपने निवास के लिए चाहा. God has chosen Zion and he desired it for his dwelling place. ये मुझे बहुत आनंदित करता है. चलिए मैं वचन बार 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 मैं पढ़ता, अगर कुछ नहीं पढ़ता तो याद करता. ये रोता है, टूट पड़ा है, कमजोर है, मृत्यु के द्वार पे लेटा है और दुश्मन से घेरे हुए है. मैं उसकी सहायता करना चाहिए मैं जाता हूं. अब समझते हैं, आउट ऑफ लॉट ऑफ कंपैशन दया करके तरस खाकर मैं जाऊंगा. भी क्या करेगा, ये बेसहारा मर जाए और उसकी सहायता करेंगे. ऐसा नहीं है बाबा. I can hardly wait to be among my people, says the Lord of Heaven. स्वर्ग का प्रभु कहता है मैं मेरे जन के बीच में वास करना पसंद करता है. कोटि कोटि दूध लोग नहीं है क्या स्वर्ग में? करूब नहीं है क्या? सिंहासन नहीं है क्या? सिंहासन छोटा पड़ रहा है क्या? वहां महिमा की कमी है क्या? नहीं, सियोन को मैंने चाहा. Dearly beloved, he loves you. Amen. He longs to be with you. Amen. He longs to be enthroned in our hearts. हमारे हृदय में विराजमान होने के लिए वो तड़प रहा है. Hallelujah. If that is not elating, if that is not uplifting, what else is? अगर वो मुझे उत्तेजित नहीं करता, वो मुझको उन्मेष नहीं देता तो और कौन सा खबर मुझे उत्तेजित करेगा? खूब पैसा मिलेगा वो, चांदी इधर गिराया जाएगा वो, या ये बात स्वर्ग के लाडला पुत्र मुझको चाहे. ये तो युग युग के लिए मेरे विश्राम स्थान है. Not for a day, not for a moment, not for the hour of trial. एक पल जो दुख मेरी पल है, लड़ाई की घड़ी है तब नहीं, सदा. अमल मैं कैसा भी करके अपने आप को सीमित करके रखूंगा, ऐसा कहता है. ऐसा कहता है ये मेरा विश्राम स्थान है. ओ हालेलुया. He cannot feel more at home elsewhere. अमल अमल. परमेश्वर इससे ज्यादा, परमेश्वर का पुत्र इससे ज्यादा चैन से और किधर भी नहीं रह पाएगा. ओ He feels at home in my heart and your heart, though it is broken. तुम्हारा और मेरा टूटा हृदय में वो बड़ी चैन से विश्राम. It is not only a battleground. वो सिर्फ लड़ाई का मैदान नहीं है, वो विश्राम का स्थान. इसके लिए कुछ परमेश्वर के लोगों का लड़ाई के मैदान में विश्राम पाते हैं. They find rest in the midst of the fiercest of battles in life. तूफान गरज रहा, लहरें उड़ रहा है, तकिया रख कर यीशु सो रहा है. मेरी कल्पना हो क्या? मैं हमेशा सोचता अगले बार झेल लो यीशु के साथ वही झील में नाव में बैठेगा. तूफान आएगा, लोग
My peace I give to you. He will wake up and say, peace be still, Lord. उठकर कहे थक जा शांत हो जा हमारे से आगे बढ़ता है हम नीति वचन में जाना है लेकिन नीति वचन से बहुत सारा वचन पढ़ना है लेकिन वो सब मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो वचन से हमें तकलीफ ज्यादा होता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाले वचन को मैं वहां से छोड़ दिया और हमें थोड़ा सा जितना हम बर्दाश्त कर सकते ऐसे वचन को मैंने ढूंढ लिया 24:25 ये रिकॉर्ड भी हो रहा है जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है उसको तो हर समाज के लोग श्राप देते और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं दुनिया तो ऐसे नहीं कहते दुनिया कहते प्यार करो सबसे प्यार करो सबसे प्यार करना चाहिए कि नहीं है लेकिन ये कहता है कोई दुष्टता करता है गलत काम करते हैं तारीफ नहीं करना अरे वचन पढ़ना हो सुबह जब भी पढ़ना पड़ता एशिया में सुबह वचन पढ़ेगा तो हम थरथराएंगे और ये प्यार नहीं चलेगा बेटे ठीक है कोई बात नहीं हम तेरे साथ है परमेश्वर की दयालु है ऐसे कहने वाले श्रापित रहते भाई जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है उसका तो हर समाज के लोग श्राप देते परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं उनका भला होता है आमेन इफ यू ट्रूली लव मी यू विल पॉइंट आउट माय मिस्टेक्स अगर आप सचमुच मुझसे प्यार करता साली ब्रदर बहुत बड़ा गलती किया लेकिन हम सब तेरे साथ हैं कोई बात नहीं हम रो प्रार्थना करते साली ब्रदर आपने ये जो किया है गलत है वचन के विरोध में है आपको घुटने टेकना है आमेन 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 प्राचीनों के सामने आपको झुकना है आप मुझसे प्यार करें सियोन के धूल से और पत्थर से हम प्यार करता चलेगा उधर ही पड़ा रहो बोलने के लिए ये स्वर्गीय प्यार है दुनिया जो प्यार दिखाते है सिखाता है वो प्यार नहीं है वो धोखा है धोखा है अब वहां से और एक वचन पढ़ता 27 में चले जाता 27वें अध्याय में जाकर हमें 5-6 पढ़ना है नहीं है खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है जो गांव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य है ये सब वचन हमें अच्छा लगेगा क्या इसे गंभीर गंभीर वचन वो मैं पढ़ता ही नहीं अति गंभीर वचन अगर मेरा मित्र मुझको डांटता और मुझको मारता वो सच्चा मित्र है आमेन हालेलुया वो सच्चा मित्र यीशु ने कहा देखो चुंगी लोग पापी लोग और ऐसे सब चोर लोग सब एक दूसरे से बहुत प्यार करता है वो प्यार नहीं ये प्यार नहीं स्वर्गीय प्रेम मेरी भलाई चाहेगी आमेन माय अल्टीमेट गुड इज योर लुकआउट तात्कालिक शांति और खुशी देखिए परमेश्वर के जन सियोन से कैसे प्यार करता है सियोन दोबारा बनाया जाए आमेन गिरे हुए पत्थर का गलती मानकर पश्चाताप करे परमेश्वर का हाथ में प्रयोजन का दोबारा बन जाए जैसे दाऊद अपने आप को बनाया था अपने आप को बनाया था नहीं है यहां ऐसा लिखा है कि फेथफुल आर द वॉन्ड्स ऑफ ए फ्रेंड प्रोफ्यूज आर द किसेस ऑफ एन एनिमी हमें ये दुश्मन का चुभन नहीं ये बहुत दुख ना जाने कितने लोगों को मैंने नरक की ओर बढ़ा दिया मेरा आलिंगन और चुंबन से माय हग एंड माय किसेस वुड हैव टेकन अवे द स्पिरिट ऑफ रिपेंटेंस फ्रॉम सम पीपल एंड दे वुड बी ग्लोरियसली हैप्पीली हेडिंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन मेरे जीवन में ना हो जाए अशुभ ऐसा नहीं करना
अशोक भाई मेरा गलती देखकर सब लोग तेरे विरोध में, क्या मैं तेरा साथ तो एक चुंबन नहीं देना। अगर सच मुझ प्यार करते तो मुझको डांटो, मुझको डांटो, प्यार है। तो परमेश्वर की कलीसिया में सिर्फ हमें ऊपर उठाने वाली वचन नहीं आता, तोड़ने वाला वचन भी आता। कलीसिया में गिरा हुआ पत्थर अपने स्थान में दोबारा मिटाए जाए, तोड़ भी मिटाए जाए। और ये सुंदर कलीसिया जो परमेश्वर का भवन है उसका अंश भाग बन जाए। ये है प्यार, ये सच्चा प्यार है। These are the lovers of Zion. सियोन से प्यार करने वाले लोग ये लोग हैं। सियोन से प्यार करने वाले वैसे लोग हैं। अमन, अमन। हम आगे बढ़ता, बहुत जल्दी आगे बढ़ता। हम कोई पति में चल जाता, हर रोज पढ़ता है, हर रोज नहीं, हर इतवार को पढ़ता है तो बहुत आसान है। आप तो नहीं पढ़ना और मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि जितना मैं पढ़ सकता हूँ उतना मैं पढ़ता, ढूंढ ढूंढ के नहीं मिला तो मैं आप लोगों को बोलूंगा, मैं पढ़ता हूँ। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बन लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। सारे चीज के ऊपर वर्णन करना मुश्किल है। उसमें घर में पाले हुए लोग हैं, उसे शिक्षा पाए हुए लोग, उसको ऊपर से बहुत कुछ सीखने के लिए है, लेकिन आज हमारा विषय वो नहीं है। अबे लूत को उसने लेकर आया नहीं है, लूत उसका आदर नहीं करता तो भी वो अपने आप को जिम्मेदार समझता। अब मेरे संग है तो आप वचन सीखोगे। अब्राहम ने परमेश्वर से सुनकर नहीं लूत को लेकर आए, लेकिन मैं अब्राहम को वो दोष नहीं आरोप करेगा। उसका कारण वो लंबी कहानी है। जब वो मेसोपोटामिया में रहता था, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, लेकिन उसका पिताजी ने उसको लेकर या लूत को भी लेकर आया हारान तक, नहीं है, गलती अब्राहम का नहीं है। और उसका पिताजी मर गया, अब ये लावारिस के साथ क्या करे, उसको भी ले लिया, तो मैं अब्राहम को माफ कर। लेकिन परमेश्वर की योजना तो नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को जिम्मेदार मेहमान। आज परमेश्वर के दास वही कहा, उसके हृदय में बोझ और दुख और दर्द इसलिए नहीं कि वो बीमार है, इसलिए कि अनेक लोग बंधन में है, अनेक लोग ऐसे कठिनाई से गुजर रहा है। अब्राहम चुप नहीं बैठेगा। अमें उसके पहले बड़े सुख शादी से लूत रहता, वह वहां के महासभा का अंग है, फाटक में बैठकर न्याय करने वाला है। एक बार भी अब्राहम वहां नहीं गया, बड़ा महान आदमी के पास नहीं गया, लेकिन जब वो पकड़े अब्राहम और उसका घराना चुप नहीं बैठे। जलाकर भस्म करने वाला अग्नि समान धूप था कलीसिया के विषय में जो अब्राहम में था। बाकी कहानी आप जानते हैं, वो नहीं चुप बैठेगा, अपने आप को खतरा में डाला, वो नहीं है खतरा में डाला। लूत को चुंबन देने के लिए चाहता था, उसका कारण नहीं है, पकड़ा गया है, अपने कवचों उसको मिलना चाहिए। यह स्वर्गीय प्यार। If you love Zion, you will fight for her. अगर आप सियोन से प्यार करोगे, सियोन के लिए आप लड़ोगे, सियोन के लिए आप लड़ोगे। हम आगे बढ़ते हैं, हमें 18 में चल जाना है, 23 में पढ़ता हूँ, अब पहुंच जाओ सर बहुत कम देगा। 18:23 मुझे पता है आप एकदम तैयारी से बैठा, लेकिन मैं आपको थोड़ा नाराज करूँ। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? अब्राहम काउंसलिंग गॉड, परमेश्वर को सलाह देने वाला अब्राहम। डिलाइटेड गॉड वाज ऑन दैट डे। परमेश्वर कितना प्रसन्न हुआ पता आपको? कितना प्रसन्न हुआ आपको पता है? क्योंकि
परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है तो बीच वही करेगा, दरबार में खड़ा रहेगा। आमेन। एक मिनट ने वाले को बचा रखे ले They will go to any end, even trying to stop God. लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है, कभी कभी परमेश्वर को दुखाने के लिए नहीं आता। धन्य है ऐसे लोग। Let there be more people who love Zion like that. ऐसे सियोन से प्यार करने वाले लोग हमारे बीच में उठ खड़े हो जाएं। Hallelujah. बाकी सब इतिहास है। This is love. जो पुरुष है ना वो यूसुफ भाई है। ये यूसुफ भाई ऐसा है वो कभी कुछ गलत काम नहीं करता। ऐसा बाइबल में लिखा है उसने कभी कुछ गलत काम नहीं किया, ऐसे लिखा नहीं है, लेकिन हमें ऐसा समझने को आता है। नहीं तो आप बोलेगा बाइबल में वो वचन दिखाओ, ऐसा कोई वचन नहीं है। तब यूसुफ अपने उन सपनों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे उससे कहने लगा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। आपने तो यूसुफ के बारे में ऐसा नहीं सीखा था, आपने सोचा था वो दीन दरिद्र कमजोर आदमी है, सबसे प्यार करता, अपने भाइयों से बहुत ज्यादा प्यार करता, गलत चीज तो कहेगा नहीं, लेकिन वो करते क्या है? माफ करना वो सुख जाएगा बैठी बैग को कुछ नहीं होता, वो बैग ऐसे। अरे जो एक कहावत है कि जो अग्नि में उगा है वो धूप में मुरझाता है। ये बैग तो सब क्या हो रहा है, चिंता मत कर। यूसुफ के बारे में हमने ऐसे नहीं सीखा था, लेकिन यूसुफ इतना कठोर दिल वाला है, बेकार इंसान लगता है नहीं है। वो कहते तुम लोग भेदिए है, यू आर स्पाइस। क्या यार ऐसे सब मत बोलो ना, तुमको पता ना वो लोग स्पाइस नहीं है करके झूठ बोलते हो क्या? क्या नतीजा क्या होगा वहां लिखा, उस में लिखा वो मजा में लिखा है कि मुझे पता नहीं। आप उसका 21 पढ़ो, ये किसके लिए कहा उसका 21 में पढ़ता हूं। उन्होंने आपस में कहा, किन्होंने? यूसुफ भाई के भाइयों ने आपस में कहा, निस्संदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी है। The spirit of repentance, जब तक ये पश्चाताप की आत्मा उनमें उत्पन्न नहीं होता, यूसुफ भाई कोई आहार खिलाने से वे लोग स्वर्गीय आशीष नहीं पाता। परमेश्वर के वचन के लिए कान है तो सुनने। Joseph could have given them tons and tons of grain. कितना लोरी भरकर ट्रक भर के वो भोजन दे सकता था, आहार दे सकता था, लेकिन Joseph until and unless they repented, it's a sheer waste. वो सिर्फ व्यर्थ है। सही पश्चाताप की आत्मा उनमें नहीं आता, बाकी सब भौतिक आशीष बेकार व्यर्थ। अब मेरे साथ यूसुफ ने अपने भाइयों को बहुत तरफाया, उसे वचन में इधर पढ़ता नहीं है। पैसा उनके वो बैग में रखा, गोली में पैसा रख के भेजा, उनको परेशान कर दिया नहीं है। कटोरी रखा, उनको परेशान कर दिया। क्यों? That they keep on repenting, that they humble themselves, that they confess their guilt and say, उसका अधर्म और पाप को कबूल करे, सही बच्चा तब करे, तब तब आशीष पाएगा। कार की शिक्षा दिया गया बचपन से, कोई कुछ भी करे गला लगा। मैं प्रार्थना करूंगा आपका प्रार्थना से किसी का भी कुछ भी फायदा कभी नहीं होगा जब तक वो बच्चा तब नहीं करता। यह है यूसा यूसुफ का अनुकरण तो हम कर सकते हैं। We can safely imitate this man. Leading others to repentance is not cruelty. बाकी लोगों में पश्चाताप की आत्मा को उत्पन्न कराना क्रूरता नहीं है, वो प्यार है, वही स्वर्गीय प्यार है, वही स्वर्गीय।
मुझको कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि बहुत महान परमेश्वर के दास को फोन करके मैं बात करता, बाद में मैं परेशान होता, तू कौन है? उनका कलीसिया में लाखों लोग है, उसके कलीसिया में 150-200 लोगों का बपतिस्मा होता है, तू एक मनुष्य का बपतिस्मा साल में नहीं देता, और एक मुंगी को भी तूने कभी चंगा नहीं किया है, एक चिन्ह चमत्कार तेरे हाथ से नहीं हुआ है, तू कौन होता है? मेरा हृदय में एक तरह की जलन होता है, और मैं परमेश्वर के दास को कहता है, ये शिक्षा आपने जो दिया वो गलत है, कोई उल्टा बोला नहीं बेटा, कोई उल्टा बोला नहीं, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। बोलो पेते, ऐसे जब एकदम आवेश में आ जाता ना, कभी कभी निकलते बेटा, प्रार्थना करना चाहिए, कलीसिया भी प्रार्थना करना चाहिए, वो सही एक मनोभाव है, दैट इज डिवाइन ह्यूमिलिटी, दिव्य नम्रता है, वो मुझ में होना चाहिए, मुझ में होना चाहिए। इतना तकलीफ उठा के अब इतना बार फोन किया, मैं बोलो कि मेरे जीवन में पराजय ही पराजय है, गलती गलती में करके आए, लेकिन मेरे गलती से आपको इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता, जब मैं गलत शिक्षा देता अनेक लोग मिटता, I'm causing others to sin when I teach the word wrongly, when I commit a sin, I bear the consequences। आपको पता है जब हम पाप करता उसका परिणाम हमको भोगना पड़ता, जब हम गलत शिक्षा देता लोगों से पाप फैलाता। अभी अशोक भाई, मैं इतना गलती करने के बाद भी ऐसे गला मिला कर रहा है, साथ है कोई नहीं है, दुनिया में रहते हैं, सब कुछ होता है भाई, कितने लोगों ने ऐसे किया है, तब आप मुझको मिटाता, मुझसे आप पाप कराता है। हम आगे बढ़ता है, इसलिए यूसुफ ने ऐसा किया वो हमसे पता चलता है, और ये यूसुफ का सच्चा हृदय का खुलासा मैं नहीं करूँ तो मैं गलत करता, उसका जो उसका हृदय है उसको खुलासा में करना चाहता। 45वें अध्याय में आकर उसका 5वां वचन पढ़ कर, अब तुम लोग मत पछताओ, बहुत हो गया, अभी मत रोना, अभी नहीं रोना, और तुमने जो मुझे राम बेच डाला इसे अभी उदास भी मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। ए यूसुफ भाई, एक मुंह से दो तरह की बात क्यों करता हूं? पहले बोल तो तुमने भेज दिया है, सच में तुम लोग झूठ बोलता है, उसे पढ़ने के लिए हमारा बस कितने समय है, तुम लोग झूठ बोलते हैं, तुम एक पिताजी के बच्चे हम नहीं मानता, तुम्हारे छोटे भाई है, क्या सबूत का है? नहीं है। How cruel this man was, this prime minister of Egypt, नहीं, मिस्र देश के प्रधानमंत्री इतने क्रूर है, नहीं है, बाकी प्रधानमंत्री रोता है, चुपता है, आंसू भी पोंछता है, और ये प्रधानमंत्री इतना क्रूरता से ऐसे बात करता, उसने अपने भाइयों को बचाया। कुछ कुलपतियों को गोत्र पिताओं को बनाने के लिए, सच्चा प्यार करने वाला एक मनुष्य का जरूरत रहा। हम आगे बढ़ता है, वहां से हम आगे बढ़ता है, हमें निर्गमन के पुस्तक में जाना है, निर्गमन के पुस्तक में से हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सारे चीज नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा मत्तियस में चले जाएगा और आप नहीं पढ़ेंगे, आप कुछ अवसर नहीं देंगे, मैं 32 में चले जाना चाहता, और 32 से हमें क्या पढ़ना है, 20 पढ़ना है, 32 से 20 पढ़ना है। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया, और पीस कर चूर चूर कर और जल के ऊपर फेंक दिया, और इसराइलियों को उसे दिलवा दिया। मूसा इतना क्रूर मनुष्य है, वजन में पड़ता है, वो सबसे नम्र और सबसे दीन, मैं तो उल्टा तस्वीर देखता हूं, ये इतना गुस्सा में आया, पहले तो 3,000 लोगों को मरवा डाला, नहीं है, देवियों को बोला कि मार डाल, इतने क्रूर क्यों है? इस्राएलियों को बचा कर रखना चाहता था, वो सियोन से प्यार करने वाला पुरुष हो, उसने दिखाया परमेश्वर कितना नफरत करता, उसने दिखाया वो भी इसका विरोध करता,
वो उसका बेड़ा भाई को पूछते आरोन, दादाजी नहीं आरोन, क्या पाप किया ये लोग, तुम लोग तुमने इनसे पाप कराया। अरुण से प्यार नहीं करता, वो आदर नहीं करता, बहुत इसलिए करता। ये बच्चे को बनाया था आरुण ने, बनवाया था कम से कम, उसको ऐसा तोड़कर उसका पूरा गुस्सा दिखाता, उसका पूरा गुस्सा दिखाता, तोड़ तोड़ कर, तोड़ तोड़ कर, भैया उसका ऐसा भस्म बना, पाउडर बना, पर तुम लोग पियो, तुम्हारा पाप पियो। इतना क्रूर मनुष्य के विषय में बाइबल में लिखा है, वो दीन है और नम्र है। मूसा क्या है? मूसा चिल्ला चिल्ला कर कहते यीशु तो इससे अधिक किया। मूसा कहते मैंने ये कहा, मूसा कहता है यीशु को देखो, उसने सांप के संतान करके बुलाता है, उसने कहते तुम तो ऐसे कब्र है, उसके अंदर ऐसे सड़े हुए है, तो बोलते उसे तोड़ा मैं अच्छा हूं, आप अच्छे, बहुत अच्छा आदमी। अब आगे बढ़ते उसका 21 पढ़ता, 21 में क्या लिखा है? तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े शाम से शाम में फंसाया, तूने फंसाया उनको, तू डांटना चाहिए था ना, तू डांटना चाहिए था, तू मारना चाहिए था, तू तेरा हाथ में कर लाठी बनाएगा तो परमेश्वर उसके महान चिन्ह करके इनमें भाई उत्पन्न करता था। That is what Aaron was chosen for. इनको खुश करने के लिए, इसको आनंदित करने के लिए 30,000 का मोबाइल चाहिए तो ले ले बेटे, तीसरा क्लास में उसके लिए नहीं, बाकी लोग सब पिक्चर को जाते, मैं भी जाऊंगा, नहीं तू जा सकता। कल मेरी कहानी सुन, कालिया बच्चू, दो पासलों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा, ये दो पासलों भाइया दोनों पास्टर है, ये बड़ा पास्टर बहुत अच्छा पास्टर है, दोनों अच्छा, उसका लड़का ने कुछ गलत काम किया, ये पास्टर ने वो घर में घुसने से पहले उसको ऐसा मारा ऐसा मारा ऐसा मारा, उसके बीवी को बोला उसको बैग ने क्या बैग फेंक दिया, निकल जाओ इधर से। तो दूसरा लड़का का बेटी ने कुछ गलत काम किया, उसने बोला कि मैं परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर का प्यार दिखाना बहुत जरूरी है, तो उसने बोला कि ठीक है बेटे अभी क्या करेगा, तुमने तो जाओ अभी आ जाओ, हम हमारी बेटी है ना, हम कैसे निकालेंगे। तो एक भाई पूछते तूने तेरा बेटे को पब्लिक में मारा ऐसे फेंक दिया और तू कलीसिया में आके प्रेम प्रेम की भाषण देता, तू वचन सुनाता, क्या सोचेगा तेरा कलीसिया के लोग। इसने कहा भाई इसलिए मैं वचन प्रचार कर सकता हूं हिम्मत से, इसलिए मैं हिम्मत से वचन प्रचार कर सकता हूं, आई हेट सिन, उसका मतलब नहीं कि मैं पाप नहीं करता, पर आई हेट सिन, आई डोंट हग हिम, आई डोंट किस हिम, आई विल ड्राइव हिम अवे till he repents and falls at his father's feet. मेरा बचपन बहुत कठिन था, बहुत मार खाया, बहुत मार खाया, उतना मार इधर किसी ने भी नहीं खाया, बहुत गाली सुना, अच्छा नहीं लगता था, अब बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता, किधर भी जाने के लिए अनुमति नहीं, सब लोग जाते हैं उधर फुटबॉल मैच है, इधर है उधर है जाते हैं, तुम नहीं जाओगे, तुम मेरी का बेटा है, एक ही उत्तर है, कोई दूसरा उत्तर नहीं है, तू मेरा बेटा है। और जोश कैसे जाते हैं बाजू में का, वो मेरा बेटा नहीं है, आप तो बहुत प्यार भी करते हैं उससे, उसको हर चीज इधर खिलाएगा, उसको खिलाती है, बहुत प्यार है उससे, बदमाश बदमाश कहानी बहुत बेकार की कहानी है, मिट गया उसको, बहुत खेल में था, बाद में कुछ सीख गया, वो सब छोड़ो, लेकिन कम से कम प्रभु ने प्रभु की अद्भुत कृपा से हम लोगों को यहाँ तक को लेके आया, प्यार से जब डांटता और मारता
वो अनुग्रह आमेन आशीष अनुग्रह आशीष we remain constrained and limited in our childhood so that we could grow amen बचपन में उन्होंने हमें सीमित रखा इसके लिए परमेश्वर की कृपा से हम बढ़कर गया जीवन में हम बहुत आगे बढ़ते हैं हमें कहां जाना है अभी 30वां वचन पढ़ा है क्या हमने से बाकी है ना तो आप उनसे इतना जल्दी से क्यों लेके जाना चाहते हैं धीरे धीरे चलेंगे अगर खत्म नहीं होता तो हम बंद करेंगे ठीक है आप चिंता मत कीजिए दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा तुमने बड़ा ही पाप किया है क्या किया है पाप किया डांट बड़ा को मार खाया लोगों ने लेकिन मूसा कहते मैं प्रार्थना करूंगा अब यहोवा के पास चल जाऊंगा संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं कौन करो मैं करो मैं रहूंगा मैं बिछवाई करूंगा मैं प्रार्थना करूंगा किसके लिए तुम्हारे लिए तो पहले इतने क्रूरता से क्यों बात किया ताकि तुम्हें पश्चाताप की आत्मा आए इज इट नॉट ट्रू लव इज दिस नॉट द लव दैट बाइबल एडवोकेट्स पवित्र शास्त्र शिक्षा नहीं देते क्या ऐसे प्रेम के विषय में यह सब लिख के आपको इसलिए दिया जाता हर इतवार को अब घर में जाकर यह वचन और एक बार पढ़ना और कौन सा भी वचन गलत है या यह शिक्षा से हट कर पवित्र शास्त्र कुछ सिखाते मुझे बताओ मैं भी सीखूंगा मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा हम आगे बढ़ते हैं हम यह होश में चले जाता यहोशू का पुस्तक में हमें 7वां अध्याय पढ़ना नहीं 7वां अध्याय से 26 पढ़ना ऐसा मैं 2-3 बार पढ़ते हैं उसका मतलब है कि मैं ढूंढ रहा आपको नहीं पता चलना चाहिए इसके लिए मैं 2-3 बार वो बोलते रहता 7वां अध्याय के 26 पढ़ता और उन्होंने उसके ऊपर पत्रों का बड़ा ढेर लगा दिया और आज तक बना है यहोवा का बड़का हुआ को शांत हो गया तब इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आखोर तराई पड़ा है आखान ने पाप किया आखान नामक एक मनुष्य ने पाप किया परमेश्वर ने आज्ञा दिया था उनका एक भी वस्तु को प्रहार से लगाना उसने ले आया बहुत कीमतीवान चीज कभी कभी जो चीज की अनुमति प्रभु नहीं देता वो हमारी दृष्टि में बहुत मनोहर है बहुत कीमतीवान है उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है आखा ने गलती किया इसराइल की जनता ने मार खा कभी कभी एक पत्थर गिरने से मखान कमजोर हो जाता कम से कम बदसूरत हो जाता है अरे पीठ एक पत्थर के स्थान से गिर मखान की खूबी नष्ट हो जाता है वो बलि ही के लिए परमेश्वर के लोग पत्थर से और धूल से भी प्यार पत्थर से और धूल से प्यार ब्रदर ऐसे सब है लेकिन हाँ वचन पढ़ते हैं ना हाँ वचन पढ़ते हैं दिन रात प्रार्थना करते हैं ना हाँ फिर तो अच्छा सही है वो ऐसा जो छोड़ो लेकिन वो वचन पढ़ता है प्रार्थना करता है ये लोग भी सब कुछ आकान को मार डाला इतना बड़ा पत्थर के एक पहाड़ी बनाया किसके लिए ऐसे सब क्रूरता करता है आने वाले पीढ़ियों को उपदेश देने के लिए that the coming generation may be warned इतना क्रूर इंसान नहीं थी यहोशू was not among the most cruel man but he cared for his people केट पर स्पीक ये करने के बाद वो दुश्मन के ऊपर जय पाएगा दुश्मन के ऊपर जय पाना कलीसिया को आखान शुड बी डेल्ट विद जितना भी आखान उसकी सामना करना अवश्य है इसलिए परमेश्वर के दास दासियां आत्मिक लड़ाई में सिर्फ उसको बीमारी और उसके नष्ट क्लेश के कारण नहीं अब्राहम की तरह लूत पकड़ा गया आकान ने पाप किया छुपाया
वो लोग लड़ेंगे क्योंकि वो लोग सियोन से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार, स्वर्गीय प्यार है। वहां से वो आगे बढ़ता है और यहोशू कदम हुआ क्या नहीं है, अब उधर कदम होगा तो ठीक नहीं है ना। 8:35 पढ़ते हैं, 35 है लकीर, जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इस्राएल की सारी सभा और स्त्रियां और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर न सुनाई। इसने क्या किया बताने पता है, बड़ा वेदी बना, उसका पत्थर जैसा मूसा ने लिखा था वैसा सारी व्यवस्था के बाद खोद कर लिखा, इतना बड़ा। मूसा ने जो लेके आया वो फल के छोटा था, वो पढ़ने के लिए अभी संतों के पास जाना चाहिए, इतना मोटा। और उसने पढ़कर सुनवाया सबको, स्त्रियों को, बच्चों को, जो सियोन से प्यार करता वो अपना राय और सलाह को बोलकर नहीं चलता, मेरा राय है। ऐसा पौलुस भी कहता, पौलुस भी कहता ये मेरा राय है। पौलुस ने कहा ना, आई डोंट अलाउ वीमेन टू स्पीक इन द चर्च, वो उसका सलाह है, सही है वो, लेकिन यह परमेश्वर की आज्ञा है, यह परमेश्वर की आज्ञा है। हर वचन उसने पढ़कर सुनाया। इफ यू ट्रूली लव द लॉ, इफ यू ट्रूली लव साइन, यू विल नॉट हाइड वर्सेस दैट डिस्टर्ब पीपल। अगर आप सियोन से प्यार करते हो तो लोगों को परेशान करने वाला वचन को छुपाएगा नहीं, छुपाएगा। जब मैं बड़ाई करता तो मेरे पिताजी आकर बार बार मुझको कहता, अरे तूने बहुत बड़ाई किया यार, तू सो जा, कभी परीक्षा के समय में, उसके पहले नहीं, थोड़ा ज्यादा ही तैयारी करता था मैं एग्जाम के पहले, क्योंकि पहले बड़ा नहीं था इसके लिए। तो सारे माँ बाप बच्चों के पीछे पढ़ते, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, मेरे पीछे मेरे दोनों माँ बाप, सो जा सो जा। मेरे एक मित्र था, मित्र कहेगा सब कुछ तू तैयारी किया ना, लेकिन ये इसको पर ध्यान दिया नहीं, वो पढ़ो। अरे इतना मैं तकलीफ उठाया, मैं रात को बैठ के मैं सीखा, तारीफ तो करो यार, वो नहीं कहता। तारीफ नहीं किया तो मेरा कोई नुकसान नहीं होता है मेरे भाइयों और बहनों, तारीफ नहीं किया तो कोई नुकसान नहीं होता। मैं सही रीति से गाड़ी चला तो मुझे चलाने को आता नहीं, मेरे मेरे पास लाइसेंस है, चलाने को नहीं आता तो भी मैं चलाता नहीं तो चलेगा, गलत चलाता तो डांटना। आप लोग मेरे साथ है, सच्चा प्यार वो बेटे तू कितने अच्छा है, बेटी तू कितनी अच्छी है, कुछ लोगों को लगता है यही प्यार है, गला लगाना, चुप देना, प्यारी बेटी लाडली बिडली करके बुलाना, उसको तो किसी ने बुलाया नहीं, मैं भी मेरे बच्चों को नहीं बुलाया, लेकिन सच बोलो मैं कब भविष्य को चाहता, जन्म से पहले मेरी आंसू है, अभी भी मैं आंसू बहाता, मैं उनकी तरह आंसू बहाता, बोलो कभी गलती नहीं करता, तो भी रोज में प्रार्थना करता, अगर कुछ गलती हुई तो माफ कर। That is what Job did. If you love your children, you will be standing in the breach. You may not express all your love. वो सारा बाहर वही हम नीति वचन से पढ़ा, दिखाए जाने वाले प्यार से, सॉरी ऐसे छुपी हुई जो प्यार है उससे अच्छा मार है, गलत बोलने पर था। वहां से अब कहां जाना है हमें, पहले सवाल में चल जाना, इतना जल्दी हम क्यों जाते हैं, इसलिए कि हमें खत्म करना। 7:3 शांत रहिए, तीसरा वचन पढ़ता, तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिर हो तो पराये देवताओं और अस्तरत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपनी मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब
वो तुम्हें फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। मेरे पास आकर रोने से ज्यादा फायदा नहीं है। पहले गलती मानो, अपना गलती मानो, पश्चाताप करो। रोने से फायदा नहीं है, जो छोड़ना है वो छोड़ो। ये बहुत दुखी की बात है, पश्चाताप तो मैं बहुत करता, लेकिन गलतियों को, गलत मार्ग को छोड़ने के लिए, गलत काम छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं होता। लेकिन परमेश्वर का दास शमूएल कहता, उससे बात नहीं बनेगा। तुम पश्चाताप करो, तुम मूर्तियों को फेंक दोगे, जो गलत चीज को पकड़ कर चलते उसको तुम छोड़ोगे तो जीवन में विजयी होगा, तो जीत पाएगा। परमेश्वर तुम्हें फिलिस्तियों के हाथ से बचाएगा, नहीं है? तो ये बड़ा क्रूर आदमी था, नहीं है? पांचवा वचन, पांचवा वचन वहीं से पढ़ता है। फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। दास लाओ, स्वर्गीय प्यार यह है, दिस इज अगापे लव। दुनिया जो दिखाते हैं, सिखाते वो प्यार नहीं है। तू कैसा भी रहो, एक व्यक्ति ने एक बार मुझको कहा कि मेरा खूबी क्या है, मेरे जो मित्र है, मैं कुछ भी करे, कैसा भी करे, मुझसे ऐसा प्यार करते, यीशु का जैसा। यीशु ऐसा नहीं है, यीशु ऐसा नहीं है। यीशु मुझको डांटता, इसलिए ऐसा वचन आता। यीशु मेरी ताड़ना करता, और यीशु कहता, आई हेट टू सी यू डूइंग इट। तुम जो करता है वो देखकर मुझे नफरत है। दैट्स डिवाइन लव, वो स्वर्गीय प्रेम। हालेलुया, ऐसा तुम करोगे, सारे मूर्तियों को फेंक दोगे, गलत मार्ग छोड़ोगे, गलत सोच को छोड़ोगे, ईर्ष्या, अहंकार, नफरत, कड़वाहट, ये सब छोड़ोगे तो परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारा बर्तन को भर देगा। मैं प्रार्थना करूंगा। अब्राहम ने प्रार्थना किया, नहीं है? मूसा ने प्रार्थना किया, यूसुफ भाई ने प्रार्थना किया, यहोशू ने प्रार्थना किया, शमूएल ने प्रार्थना किया, क्योंकि लोग सियोन से प्यार करने वाले, सियोन के पत्थर से और दूर से प्रेम रखने वाले लोग थे। इसलिए है हम वहां से आगे बढ़ते हैं। हमें वहां से जाकर दूसरा शमूएल में भी जाना, नहीं है? 17 पढ़ना है, 17 भी है, 17 का 32 है। मैंने कहा ना, कोई भी कलीसिया आपको नहीं मिलेगा। हर कलीसिया में पास्टर लोगों को सिखाते हैं, और हमारे कलीसिया में लोग पास्टर को बोलते हैं कि ये बढ़ो, आप लोग जो बोलता मैं पढ़ता हूं। 17 का 32 पढ़ता, तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। दाऊद लड़का कहता है तो ज्यादा नाराज ना होना, भाईचकित नहीं होना। मैंने देखा, मेरे बड़े भाई जो एक कैप्टन है, एक लेफ्टिनेंट कमांडर है, ऐसे पोस्ट भी नहीं है शायद, लेफ्टिनेंट कैनल जो भी है, वो दोनों ऐसे ऐसे कड़ा है, और तेरा चेहरा देखेगा तो मुझे बहुत दुख होता है। चिंता मत करो, नहीं जाओ, कोई नहीं है ना ये सेना में जाने के लिए, कोई नहीं है। सुबह उन लोग का मार्च पास्ट होता है, एक्सरसाइज होता है हर रोज, उधर निका है ऐसा, हर रोज ये लोग आते हैं, दुश्मन सेना डर रहेंगे हमसे, जो टुकराएंगे चकरा चूर हो जाएंगे, ऐसे सब ना ऐसे सब लगा के चिल्ला के, फिर वो उधर से बाद में नाम क्या गोलियात, गोलियात वो ऐसा देखेगा, ऐसा हम देखेगा, ऐसे सब चलते पीछे 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 ये चलते रहा। दावत कहते मैं इसराइल से ज्यादा प्यार करने वाला उसका राजा शाऊल नहीं है। शाऊल होता तो उसमें अभिषेक था, वो जाके सामना करता। उसके बड़ा भाई या नहीं है जो बड़े खूबसूरत है, वो ठोल है खूबसूरत, तो दाऊद भी था। सारे परमेश्वर के दास दासियां, सारे बच्चे खूबसूरत होते हैं, मैं क्या करूं,
इसलिए मैं भी कोई आपसे बहुत खूबसूरत है परमेश्वर की दृष्टि, बहुत खूबसूरत है क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को देख आनंदित होता है। उसका पुत्र का सिंहासन है, बाहर महान सफेद कपड़ा पहन कर गहना नहीं पहनेगा, बाल नहीं रख बनाएगा, ऐसे सब घूम के क्या फायदा है। सिंहासन पर यीशु की राजमान। शमूएल को परमेश्वर ने कहा मैं बाहर का नहीं देखता, मैं भीतर के बात आइए वहां यीशु विराजमान है। ठीक है, तो वस्त्र नहीं पहनने का इसे मैंने नहीं कहा, बाल को इधर ऐसे, मेरे को ऐसा एक आइडिया मिला, सब लोग इधर एकदम पतला पतला करते इधर बाल देखते, मैं सोचो उल्टा क्यों करें, तो मैं इधर रखा और इधर का निकाल दिया। थोड़ा अलग दिखाई दे रहा, चाहिए ना हिम्मत चाहिए उसके, बोलना सब निकल गया। हम जाते वहां से आगे बढ़ते हैं, कहां जाना हमें, दूसरा शमूएल नौ का एक पड़ गया, आपको अवसर मिलेगा, मैं थोड़ा थकने दो। दाऊद ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनादाब के कारण प्रीति दिखाओ, परमेश्वर किसी प्रीति। ये दाऊद है, अरे दुश्मन को देखा तो उसको देखो सिंह समान गरजता हो, सियोन के लिए वो सिंह बनता है, अमन फाड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कितने वीरता से वो आगे बढ़कर गया, दुश्मन का गला खटकर ऐसा चल के आता, क्यों, अरे इतना भारी है उसका सर, ये छोटा एक हाथ में इतना बड़ा तलवार, दूसरा हाथ में उसका मुंडिया, उसका तस्वीर देखो। आज वो कहता है परमेश्वर की सी दया और प्रेम निकालने के लिए है, मैं मेरे दुश्मन के घराने में एक को लूट रहा हूं, क्यों वैसे क्यों, योनातान के साथ शब्द कहता। हम लोग को लगता है कि हमें कोई खूबी है इसके लिए लंगड़ा को ये लाचार को उठाया, यीशु की नई वाचा के कारण है। परमेश्वर जो करुणा बरसाता है वो यीशु के निमित्त है, जो दया हमारे ऊपर उड़ेल दिया है यीशु के निमित्त, योनातान के निमित्त। I have no other claim, I have no other credential, मेरा और कोई हक नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, यीशु के कारण परमेश्वर का प्रेम हालेलुया हमारे ऊपर बरसाया जा रहा है। यह है सच्चा दाऊद, सिर्फ गुलियात का सर काटने वाला पुरुष ही नहीं है, वायदा को याद करके अपने घोर दुश्मन के गर्भ जो बच्चा है उससे परमेश्वर का प्यार से व्यवहार कर उसको संभाल हम आगे पढ़ता है। वैसे लोग सियोन से प्यार करने वाले लोग हैं, कुछ कुछ वचन हम इधर उधर से पढ़ते हैं कि आशा रखता हूं कि स्वर्गीय प्रेम कैसे होते हैं और कैसे लोग उसका प्रकटन करते थे। हम आगे पढ़ते हैं, हम एस्रा के पुस्तक में चले जाता है, नवा अध्याय में चला जाता, पांच और छह पढ़ने का यत्न करते हैं कि पांच में ऐसा लिखा है कि परंतु सांच की बैंड के समय में वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दिशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाया। किसने, ऐसा परमेश्वर का अभिषिक्त वस्त्र फाड़ उपवास, टूटे हुए दिल से पीसे हुए मन से परमेश्वर के सामने घुटने टेका कर प्रार्थना करता, fell upon his knees and spread out his hands to the Lord। नहीं है, ए मेरे परमेश्वर मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाए ला जाती है, कहते हैं मैं शेम टू लुक एट यू, तूने इतना बड़ा पाप क्या किया, मेरे जन ने पाप किया, हाउ आई हैव
always longed for this spirit. A fraction of this attitude will be found in me. मैं कितने सालों से चाहत रखता कि ऐसे मनोभाव के अंश भी मुझ में आ जाए. हाथ उठाकर घुटने टेका, कहते मैं लज्जित हो तेरे सामने गर्व से कहने के लिए एक शब्द मेरे मुंह में नहीं है. ए मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है. मुझको बोलना नहीं पड़ता, मेरा मुंह ऐसे ही काला है. ये कहते मेरा मुंह काला, इतने बड़ा क्या अपराध किया, क्या व्यभिचार किया तूने, क्या गात किया तूने. और कहते हम लोग के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंच गया. किसका दोष? हमारा दोष. हमारा दोष सच पीपल लाफ साइन. ऐसे लोग सियोन से प्यार करते हैं. चलेगा बेटे, सब कुछ चलेगा. अभी तो मंदिर बनेगा ही ना, चिंता क्यों करते हो? घुटने पे गलती कबूल की, पश्चाताप. मुझे लगता बीते हुए जिन दिनों में जो परमेश्वर का अभिषिक्त लोग रोते थे, सही ऐसे मुझे कुछ लोग आज कहते उनको पूरा पूरा प्रकाशन नहीं मिला था इसके लिए वो रोते थे. मुझे लगता है उनको सही प्रकाशन मिला था इसलिए वो रोते थे. आई बिलीव सो. माफ करना है, मैं रोलना. Rending their hearts, they will cry unto God. They will fall down and roll on the floor, not laughing but crying. रोते हुए वो लोग ऐसे रुलकते रहते थे जमीन पे. इस तरह कहता हम लोगों का दोष और पाप हमारे सिर पर इतना बढ़ गया, हमारे दोष बढ़ते हुए आसमान तक पहुंचा. ऐसा वो कहता नहीं है. उसका दसवां अध्याय का पहला वचन में पढ़ना चाहता. तब ऐसा परमेश्वर के भवन के सामने रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था. अब इसराइल से हर पुरुष, स्त्री और बच्चे, बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठे थी और लोग बिलक बिलक कर रहे थे. You would influence people. अब calling them to true repentance. सही पश्चाताप की ओर. कलीसिया को बढ़ाने के लिए तुम घुटने में आओगे, रोते रहोगे. It was not in vain that this man of God kept crying. ये परमेश्वर के दास रोते हुए लेट रहा. व्यर्थ में नहीं था. अमन, the whole congregation will repel. अमन, बिलक बिलक के रोते थे, फुट फुट कर रोने लगे. If you really love your house, your family, your children, if you truly love your child, you will lead them to true repentance. Hallelujah. तो मैं पहले रोऊंगा, मैं पश्चाताप करूंगा, आह्वान देते रहूंगा, तो भी पश्चाताप करो. Did he force anyone? किसी को ऊपर निर्बंध लगाया? पश्चाताप नहीं करेगा तो मारेगा, ऐसे कहा? Now I know why people cry. Why saints of God always cry? Why Jeremiah cried? मुझे पता क्यों लोग रोते. गलत प्रकाशन पाया तो उसके कारण शायद नहीं है. Not necessarily that it received a higher vision, but rather they knew their God and they knew the world. दो कारण से हो सकता. एक तो ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर को उन्होंने जाना था और वचन को वो लोग समझते थे. वहां से वहां भी बढ़ते हैं. हमें नेहमिया के पुस्तक में जरा जाना है? नहीं, हाँ, नेहमिया उसके साथ में है.
तो हमें नहमिया पढ़ना अच्छा है। पर अध्याय का छठो वचन आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। आप जानते हैं कि नहमिया बहुत अच्छा ऊंचा पद में एक बड़ा अधिकारी था। He was highly placed in the king's palace. He lacked almost nothing. उसका कोई कमी नहीं था, वो सुख शांति से रहता। लेकिन उन्होंने एक खबर सुना, परमेश्वर का शहर का फना जलाया गया, मंदिर तोड़ दिया गया। जैसे आज वो परमेश्वर के दास लिख कहा, अभी वो बेचैन हो गया, अभी उसमें शांति नहीं, अब वो खुशी से गीत नहीं गा सकता। वो उपवास करने लगा, वो छुट्टी लिया, उपवास प्रार्थना कर। कैसा वो प्रार्थना करता, पहले अध्याय का चक्र हो चल, तो कान लगाए और आंखें खोल रखी, जो प्रार्थना में तेरे दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात, मुझे तो तकलीफ हो रहा है, दिन रात करता रहूंगा, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए है मान लेता हूं। क्या पाप किया तूने? हमने पाप किया, इस्राएलियों का पाप मेरा पाप है। That is a true intercessor, dearly beloved. He is not telling a lie when a man of God stands up and says, "It's all my fault." अगर कोई परमेश्वर के दास के दर भी खड़ा होकर कहता मेरा गलती है, वो झूठ नहीं कहता। That's love, वो प्यार है, ये महान प्यार है, यीशु का प्यार है, ये यीशु का यह सियोन से प्यार करने वाले लोगों का जीवन का अनुभव। मैं और मेरे पिता के कहने दोनों ने पाप किया। This is the only man to love Zion. सियोन से प्रेम करने का यही एकमात्र रीति है। आज मैं अभी बोर कोड खेल वो दूसरा लड़का को देखा जो परदेश में एक क्रूर दास के अधीन सुअरों को चराने वाला था। बंदर, बंदर नहीं, क्या बोलते, डुकर को। मैं सोचा इसका पिताजी इतना सफल, इतना दयालु है, अरे कोई भी एक दूध को भेज, एक दास को भेज ना, जैसे अब्राहम ने उसके दास को इतना दूर भेजा था ना, अरे थोड़ा जासूसी करने का था अपने बेटे के पीछे, जब उसका पैसा खत्म हो जाते उसको तंदूरी चिकन करी, तंदूरी चिकन बच्चे तो क्या कहते हैं, मैक चिकन, हाँ ऐसा कुछ तो खाने के लिए, और फ्रेंच फ्राई खाने के लिए, उसको तो जब मेरा पैसा लग क्या आया नहीं करता ये। अब्राहम की तरह सेना लेके जाके उसको चुड़ा भी सकता था, नहीं करते, बड़े संपन्न भाई है और इसका दिल बहुत विशाल है, उससे वो लड़का और बिगड़ेगा और नाश की ओर बढ़ेगा। उसने इंतजार किया, सही पश्चाताप के साथ जब वो लौट आएगा मैं गले लगाऊंगा, मैं नया वस्त्र तब तक। God doesn't want to waste his blessings on an unprepared vessel. जो बर्तन तैयार नहीं किया गया है, ढक्कन बंद है, उसके ऊपर परमेश्वर की करुणा बरसाकर व्यर्थ में यत्न करने वाला नहीं है परमेश्वर। माफ करना, ये वचन सब मेरे लिए है, आप इतना परेशान नहीं होना। ज्यादा ब्लो मेरे खिलाफ आता है, मुझे पता है ये स्वर्गीय प्रेम की भरपूरी में मैं नहीं चलता, लेकिन ये वचन बोलने में मैं निर्बंध दूं क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। दूसरा अध्याय का तीसरा वचन, मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहो, जब वो नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है,
और उसके फाटक जले हुए हैं तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे। I have reason to cry. एक गाना आजकल बहुत लोग प्रसिद्ध है केरला में, सुन ब्लेसिंग मैम ने कहा कारणा मुंड कई कुट्टी पाला ने लिख के कारणा मुंड ऐसे गाना है। तालियां बजाने के गाने के लिए कारण है, ये परमेश्वर का दास कहता है। साथ साथ रोने के लिए भी कारण है। राजा तू क्या जानता, तूने मुझे ऊंचे पद पर जरूर नियुक्त किया है लेकिन मेरे पितरों का शहर जलाया गया है। My not in bondage, my children have been stolen, my treasures have been snatched away. How will I rejoice on God? मेरे लूट में दुआई में है, मेरे कीमती माल हीरे चोरी हुआ है, मेरे अपने लोग मिटने पर है। Why will I not weep? How can I rejoice? ये परमेश्वर को नहीं जानता। The toughest thing for a man of God is finding not to understand and stand with him. कभी कभी परमेश्वर के दास दासियों के जीवन के सबसे बड़ी कठिन समस्या समझने वाला एक नहीं, साथ देने वाला दूसरे वैसे लोग लड़ाई नहीं छोड़ता, अकेले में लड़ता। यहां नेहमिया कहते राजा कितना भी बौद्धिक रीति से मैं कमाता होगा, मुझे पद पे नहीं नियुक्त किया हुआ होगा, बट आई कांट रेस्ट, आई कांट रिजॉइस, मैं आगे बढ़ता। ऐसे लोग परमेश्वर के जन से प्यार करने वाले लोग हैं। आठवें अध्याय में चल जाता, आठवें अध्याय का नौवां वचन पढ़ता। तब नहमिया जो अधिपति था और एस्रा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवी लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो ना रोओ। अगर ये लोग फुट फुट कर नहीं रोते विलाप नहीं करते तो क्यों कहेगा विलाप ना करो। पहले को भाव पढ़ने के लिए मैंने समय नहीं लिया। एस्रा ने वचन सुनाया, सिर्फ एस्रा ने वचन नहीं सुनाया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता तो व्याख्या करने वाले लोग बहुत थे। नहमिया ने मंच बनाया, एस्रा ने वचन सुनाया और लोगों ने वचन को समझाया, तब बस चल रहा है। आई बिलीव if the word of God is exalted in a congregation and if the right word is preached and the right interpretation is given, there will automatically true repentance in the midst of the congregation. Maine kuch kaha, koi bhi kalisiya mein parameshwar ka vachan ke liye pratham aur uncha sthan diya kare और कोई भी कलेशिया में सही रीति से वचन प्रचार किया करे और कोई भी कलेशिया में सही रीति से वचन का इंटरप्रिटेशन व्याख्या किया करे, वहां पश्चाताप जरूर होगा। मन का रूपांतर जरूर होगा। रेस्ट इज अ फ्यूचर एक्सरसाइज, बाकी सब व्यायाम। Sometimes our worship is a good exercise. बहुत ज़्यादा कुदी मारने से बहुत फायदा होता है। I'm not against that. I love to do that. I'm not able to do that. कुदी मारना अच्छा है। तालियां बजाने से बहुत फायदा होता है। आत्मिक रीति से और बौद्धिक रीति से, आत्मिक मुझे इतने ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन बौद्धिक रीति से बहुत फायदा होता है। बहुत अच्छे सर्कुलेशन होता है। पारा अच्छा है वो। चिल्लाना भी अच्छा है, हंसना भी अच्छा है, साथ साथ रोना भी अच्छा है।
साथ साथ रोना भी। अच्छा, यह कहते अब लोग अब तो मत रो, तुमने बहुत रोया, तुमने बस चल। At the end of true repentance comes rejoicing. सही पश्चाताप करोगे तो सही स्वर्गीय आनंद का अनुभव करोगे। वहां से आगे बढ़ता है, अभी वहां से एस्तर में चला जाता है। अय्यूब के पहले है क्या एस्तर? हो सकता है एस्तर में चले आते हैं हम, और उसका चार आठ नेम हाँ नेम के बाद सॉरी एस्तर। एस्तर में हमें पढ़ने की क्या जरूरत है? एस्तर कहता है मैं जाऊंगी, लेकिन तुम्हें पश्चाताप करना, उपवास करना। पश्चाताप करके उधर शब्द नहीं है, उपवास करना। मैं भी उपवास में बैठूं, मिट जाऊंगी तो मिटने दैट्स लव। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, हालेलुया ब्रदर। सिर्फ वो नहीं है, जान प्राण कुछ लोग कुछ लोग एक आदमी को, एक महान परमेश्वर के दास को, एक बड़ा डॉक्टर, उसके कलीसिया के डॉक्टर बोलते थे कि काम करो, अभी आप थोड़ा रुक जाओ, उसको और एक बार आपको कोई टेस्ट करना है, उसके बाद में आप कुछ भी करो। उसने बोला 2 महीने मुझे दे दी, उसके बाद तो जो करने का कर, क्योंकि प्रभु का बुलाहट है, मुझे इतने इतने जगहों में जाके सुसमाचार सुना दो, बीच में मैं मरू तो मरने दो। ये लड़की ने कहा अगर मैं बेटी जाओ मैं तैयार हूँ, लज्जा उठाने पड़ा तैयार, अकेले मन को महसूस करना पड़ा, आई एम विलिंग टू बी इल ट्रीटेड, रिडिक्यूल्ड, एलिनेटेड, येट येट आई विल गो ऑल द वे to release one, to deliver one who is in bondage. ये एक के लिए नहीं है, पूरा यहूदी लोगों के लिए। It had always taken one more day and one est to deliver people of God from bondage. बंधुआई से परमेश्वर के जन को चुराने के लिए एक मोर्दकाई की जरूरत है, एक एस्तर की जरूरत है। Mordecai will be at the gate like a fool, like a beggar. Bikari ki tarah, wo fatak pe lekha hai. Aur har kaam ke liye, aur kitne nahi milta uske karan nahi hai. Jab tak Parmeshwar ka jal chutkara nahi payega, tab tak wo aap bana rahega wo. एस्तर को कहता है तो दुनिया में सबसे बड़ी सुंदरी है, उसका कारण तो यहाँ नहीं पहुंची है, इस्राएल की छुटकारा के लिए प्रभु ने तुझे चुन लिया है। Blessed are such people who pass on such vision. ऐसे दर्शन को बांटने वाले लोग धन्य है। तो अभी चिंता मत करो, तो अच्छा जगह पे लाया गया है तुम्हें। परमेश्वर ने ऐसा विषय दिलाकर ऐसे देश में इतने सुंदर जगह में बिठाए, तो आराम कर ले। नहीं है, तुम परमेश्वर का योद्धा हो, सियोन से लड़ाई होती है, दुश्मन लज्जित किया जाता है। क्या कहता हो? वो कहता है कि मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मिट जाऊंगी तो मिटने दे। नहीं है, वहां से आगे बढ़ता है एस्तर के बाद हम एशिया में। अभी आपको पढ़ने के लिए 2-3 अवसर दूंगा, नहीं तो आपको धरा जो है एशिया भविष्य तक का पुस्तक में जाते हैं हम, और 52 से पढ़ते हैं। क्योंकि यहोवा यह कहता है, तुम जो सेत मेत बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। यहोवा कहते तुम बिक गए थे, किसने बेचा? किसने बेचा? परमेश्वर ने बेचा, सेंद में बेचा, पैसा लिया लेके जाओ। हकीले मन वाले हैं,
बलवा करने वाला है, आज्ञाकारी नहीं है, कृतज्ञ है। इनको एक सबक सिखा, इसको मैं ताड़ना दू। एक क्रूर परमेश्वर है, प्रेमी है, मैंने जैसा बेचा ना वैसे तुम्हें दोबारा मैं खरीद लूंगा। पश्चाताप के लिए व्यवस्था, नम्रता के लिए, गलती कबूल करने के लिए बेचा, सदा के लिए त्याग। मैं तुम्हें सिंध में खरीदूंगा, नहीं है? आगे आगे 54 में चल जा। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर से तुझे रख लूंगा। ये छोटू लड़का है ना, ये क्यों मैं बोलता हूँ, सोचता हूँ इसको नर्सरी के आगे जाने का ही नहीं पता, नहीं अब नर्सरी में ही घूमता है, वापस दूसरे लड़के के पास। अभी तीसरा बार है पता नहीं, आज कहीं हमें दूसरा लड़का उस रात को आराम से सोता था, ऐसे कमरा है, ऐसा बिस्तर है, ऐसा पलंग है, आराम से सोते सोचने में, अरे थोड़ा सा गलती की है, थोड़ा अच्छा हुआ से लड़का। इतना बड़ा आक्रोश त्योहार सा बनाया जाता है, इतना बड़ा संगीत सभा, ऐसा वस्त्र कभी नहीं पहना, ऐसे जूतियां, क्यों मालूम है? पिताजी जानता है इतने दिनों के लिए ये मिस्टर सच्चे मिस्टर स्टेट ऑफ पिता ने याद किया, वो इतने ऐसी बुरी अवस्था में से गुजरा था, वो इतना भूखा था, इतना लिलदित था, इतना लज्जित था, मैं ज्यादा प्यार करूंगा। कुछ क्षण के लिए मैंने छोड़ दिया था, पहले से ज्यादा दया और करुणा। और एक बार वो वचन पढ़ो, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर से तुझे रख लूंगा। बड़ी दया करके, अगर कोई गलत फहमी हो रहा है यहाँ, तब हमें नया नियम में जाना, रोमियो का छठा वचन पढ़ना। वहां लिखा है ज्यादा कृपा पाने के लिए ज्यादा पाप नहीं करते रहे। तो ही somebody gets a wrong idea that the more I sin, the more of his grace will be showered upon me. That is what many preachers teach today. बहुत सारे महान दास लोग सिखाते हैं, सही है वो? वो कहते हैं जब मैं पाप में गिरता, मैं कृपा में गिरता। Nonsense! मैं कृपा को तुच्छ मानता। I must quickly spring back. तू कृपा को मर थूकता है, कृपा के बागों में नहीं गिरता। माफ करना बड़े बड़े विचारक लोग, मैं वचन इतना ही समझता, बाइबल कॉलेज में नहीं गया इसके लिए मैं इतना ही जानता। इसलिए पौलुस कहता जो कृपा मेरे ऊपर उंडेल दिया गया वो व्यर्थ में नहीं हुआ। The grace that was given to me was not in vain, says Paul. See Paul. कहता मैं अधिक दया, अधिक प्रेम से तुम्हें दोबारा, ये मेरा experience है, आपका भी experience है। Then we are restored from our dungeon, from the pit of shame and sin. We enjoy more of His love. तो बंदी घर से चुराया जाता, हमारी लज्जा और शाप की गड्ढे में छुपाया जाता, और परमेश्वर का प्रेम को ज्यादा महसूस करता, आगे बढ़ता है। अभी अभी स्पीड बढ़ाना, एरिया में चले जाते हैं। नाव का पहला वचन, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मरे हुए लोगों के लिए रोता रहता। ये वीपिंग प्रॉफिट है, ये रोने वाला नबी, ऐसा उसका नाम है, वीपिंग प्रॉफिट उसका दूसरा नाम है।
क्यों तुम रोना चाहते हो? कुछ लोगों को रोना बहुत पसंद है। मेरी मम्मी को भी लगता था कि इसको रोना बहुत पसंद है। मैं बचपन से रोता, मम्मी के सामने नहीं रोता, अकेले में रोता था। मैं एक अच्छा स्वभाव मुझे में था। मम्मी और पापा और लोगों के सामने से चलता, रात को बहुत रोता और लोग सुनाई भी देता, क्योंकि मैं इतना कम आवाज में नहीं रोता था, आवाज बढ़ता था मेरा। यहाँ कहता बड़ा होता कि मेरा सिर जल ही जल, मेरी आंख आंसुओं का सोत था, मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता, मेरे लिए नहीं, मेरे लोगों के लिए। धन्य है इसे कलीसिया, या कुछ लोग दिन रात रोते हैं, मार खाए हुए लोगों के लिए, बंधुआए में चले गए लोगों के लिए, भटकने वाले लोगों के लिए, अपने आप का अपराध के लिए रोने वाले। परमेश्वर के दास ये चाहता था, आगे बढ़ता, बहुत जल्दी आगे बढ़ता। इस अध्याय का 11 पढ़ना है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ, इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने तुम्हें तितर बितर किया है, परंतु तुम्हारा अंत न करूंगा, तुम्हारी ताड़ना मैं विचार करके करूंगा और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। ताड़ना मैं जरूर दूंगा, ताड़ना मैं जरूर दूंगा। एक बहुत प्यार भी करूंगा, सियोन से ही सब प्यार करना। मैंने कहा ना, मेरे पड़ोस का लड़का कुछ भी कर, उसको कुछ भी करने के लिए अनुमति है, किधर भी जा सकता है। उसकी माँ उसको बार बार चुपते भी है, तो सुनते तो मानो नहीं, समझ में चुपते देखकर बचपन ही किया कितना। हम लोग के घर में कोई चुप नहीं, उनका नहीं आता, करते नहीं है, हम लोग खाते नहीं, सब ही किसी के साथ बच्चे लेकिन ख्याल बहुत कम करती थी वो। आगे अपने लड़का का भविष्य के बारे में बहुत कम चिंता, बहुत प्यार, वो प्यार नहीं है, धोखा है। किसी प्रकार से निर्दोष न करूंगा, सारे लमोले चलेगा बेटे, सब लोगों से गलती होता है, तुमने भी किया, चलेगा। प्रभु तो इतना दयालु है, रोज प्रार्थना करता, बस वही है। क्या किया तूने? तूने ही जानते, तू परमेश्वर का लड़का है। पापा सब लोग करता है, सब लोग, मेरा लड़का नहीं है। बेवकूफ। मैंने कहानी कई बार बताया, बहुत बड़ा परमेश्वर के दास के घर में मैं और मेरा पास्टर जी, मैं कुछ वचन सुना रहा, अरे मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, कोई 45 वर्ष का आदमी है, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर है, इतने ऊंचे पद में है वो, ये उठा ठाक करके मारा। मैं सोचा उसका चश्मा भी टूट गया, बेवकूफ करके उसको मारा। मैं सोचा इसको हुआ ही क्या, इतने बड़ा अभिषिक्त वचन सुना रहा है, तू पागल की तरह क्या सोच के बैठा है? इसको पता चला वो कुछ सोच रहा, बोलो क्या सोच रहा था। तो उसने कुछ बोला, मेरे लड़कों को इसे डालने का है, क्या बोलते उसको, बोर्डिंग में डालना है, उसके बारे में मैं सोच रहता। प्यार नहीं करता, इतना तकलीफ उठाकर वो जाता, रोता, उसको नौकरी दिला दिला इनके प्रार्थना के कारण। का बच्चा नशे में पड़ा था, वो उसको चुरा के लाया। ये परमेश्वर का दास है, प्यार करता है, प्यार करता, वो सच्चा प्यार है, बाकी सब बेकार की बात है। हम आगे बढ़ते हैं,
हमें कहाँ जाना अभी? चलो दानियल के पास जाओ, दानियल भी रोने वाला पुरुष है। नौ का सोलह। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की ओर तेरी प्रजा की, हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नाम धराई हो रही है, तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। दानियल ने क्या क्या पाप किया भाई? ये लोगों को समझना बहुत कठिन है। हमारे जैसे लोग ये समझते हैं, हम तो खाली एक सरदर्द सांगा हो गया करके हम चिल्लाते हैं, दूसरे को नौकरी मिला करके हम खुद ही मारते हैं, उससे ज्यादा हम परमेश्वर के विषय में नहीं जानता, सेवकाई के विषय में भी नहीं जानता। कुछ लोग ऐसे बोलते हमारे पाप, मेरा लोगों का पाप के कारण ये बुरी अवस्था, तेरे शरण तेरे लोग बनते भाई मेरा। पर वैसे बोलो तो झूठ बोलता। यीशु कहते हैं मेरे सारे संसार का पाप को मेरे ऊपर ले लिया। And I look for a man to stand in the breach. मैंने देखा बिचवे करने वाले एक पुरुष को ढूंढा नहीं पाने से अच्छा भी हुआ। ऐसे पर अभी सके तब आगे बढ़ते हैं। हमें कहाँ जाना? अभी होशिया में जाना है। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। परमेश्वर की व्यवस्था को इतना हल्का से लिया, उनके आज्ञाओं का निरादर किया, उसके कारण याजक बनने के लिए चुन लिए लोग तुम लोग हैं। साधारण याजक नहीं, राजपदधारी याजक। लेकिन मैं तुझको योग्य नहीं मानता, जो परमेश्वर का वचन का की कार नहीं कर, उसका कहना नहीं मानता। अब याचक होने के लिए चुन लिए हुए लोग होकर भी याचक की सेवा सेवकाई नहीं कर सकता। We may not be ministering as the servants of God, priests unto God, if we do not honor the word of God, and if we do not understand the teaching of the स्क्रिप्चर्स, पवित्र शास्त्र की शिक्षा को नहीं समझता, वचन का आदर नहीं करता, हम याजक लोग की तरह बिचवई नहीं कर पाएगा। हम आगे बढ़ते हैं उसका, और एक वचन है ना 14 में चले जाते, 14 नहीं पढ़ा। जैसे वे बढ़ते गए वैसे ही वे मेरे विरुद्ध पाप करते गए, मैं उनके वैभव के बदले उनका अनादर करूं। 14 में चले जाते, 2, 4, 5 जल्दी करो। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। अभी याजक की तरह बलि चढ़ाना है तो एक काम करना, बातें सीख कबूल कर, पश्चाताप कर, दोबारा जो का त्यों किया जाएगा। आमेन। There is restoration in the offing। कितना भी गहरे गड्ढे में क्यों ना गिरे, कितने भी ज्यादा समय तक बढ़ते रहो, अच्छा तब कर कर ला उठाएगा। पिताजी खड़ा है, वाहे फायदा कर, बार बार चूमेगा वो, बार बार आदर करेगा, नहीं है? प्यार करने वाला परमेश्वर कहता, परमेश्वर से ज्यादा प्यार मुझ में और आप में कभी नहीं होगा। ये परमेश्वर का स्वभाव है।
डांटता, ताड़ना करता, हमें कभी कभी बंदुआई में भेजता, लेकिन जब पश्चाताप करोगे तो लौट कर अति दया अति प्यार बरसाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, उनका खत्म हो गया। पढ़ो। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेत में तुमसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। If I truly follow, obey the Lord, the Spirit will and strengthen me. Amen. जब मैं सचमुच परमेश्वर के पीछे होना चाहता, तब पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य देगा, मुझे बल देगा। वही कहते तुम्हारा भड़कने का जो आदत है ना, उसके इलाज करके मैं ठीक कर। He's a good God, He's a good God, He's a loving God, He's a loving God, He's a loving God। मैं करूंगा आगे बढ़े। मैं इसराइल के लिए ओस के समान होऊंगा, वह सोसन के समान फूलेगा फलेगा और लबलोन के समान जड़ फैलाएगा। बचपन से मुझे बहुत पसंद है ये वचन। कभी कभी बचपन में मैं इधर उधर जाया करता था, लोग कहते कि कुछ तो बोलो, तो मैं ये वचन पढ़ता, मुझे बहुत अच्छा। मुझे सब बड़े किने वाला मनुष्य परमेश्वर को प्रकोपित किया था। मैं बच्चा था कर कराता, वो कहता तेरे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना, तू लबनान के पहाड़ पर है, दिन भर इतने गर्म हवा बोलता है, लेकिन रात ओस गिरता, स्वर्गीय ओस गिरता। आमीन। तू फूलोगे, तू बढ़ोगे, ओस की तरह बनोगे। No one needs to know। किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता चलने का जरूरी भी नहीं है। रात घर में अकेला पल में ओ सुनने वाला परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर है। He's your God। He loves you with an everlasting love। वो हमसे सनातन प्यार से प्यार करता है। हम आगे बढ़ते हैं, वहां से आगे बढ़कर कहा जा रहा, अभी तक नए नियम में नहीं आया, अब उसमें चले जाओ। जो सभा में उलाहना देता है उससे वे बैर रखते हैं और खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। अगर आप उसे घृणा करता है, नफरत करता है, झगड़ा करता है, आप सही करता, क्योंकि ऐसा उपदेश देने वाले से सब लोग नफरत करते। ऐसे लिखा है ना, नहीं, डांटने वाला, गलती दिखाने वाला, अरे बेटे मैं तेरे साथ तो ऐसा नहीं करता, वो तो मैं विरोध करता, तू गलत काम करता, तो तूने गलती नहीं किया, मैंने गलती किया, तू मत करना। नहीं है ऐसे लोगों से, पहले से लोग नफरत करता है। तो इफ आई विल बी द ग्रेटेस्ट फूल ऑन अर्थ इफ आई एक्सपेक्ट द वर्ल्ड टू ट्रीट मी डिफरेंटली। दुनिया मेरे साथ अलग रीति से बर्ताव करना चाहिए, ऐसे में चाहत रखता तो मैं बेवकूफ इंसान है। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। 9:14। मैं अपनी प्रजा इसराइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। ऐसे लोगों को मैं लौटा ले आऊंगा। There will be a day when they will truly repent। वो लोग पश्चाताप करने वाला दिन आ रहा है। मैं उसके इंतजार करता हूँ। आमीन। ये ताड़ना देने में उसको कोई खुशी नहीं है। मैंने ये देखा है। समझ जाते आज थोड़ा ज्यादा समय लेगा। इतने सारे वचन बोले तो कितना लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नौ लाइन है, 5 लाइन तक ठीक है, ये 9 लाइन है तो हमको टाइम चाहिए, 1 इडली ज्यादा खिलाओ अगर है तो। क्या कह रहा था मैं, इसको मुझको फायदा नहीं है क्योंकि ये वचन में इतना डूब गया। क्या पढ़ा था, क्या पढ़ रहा है वो पढ़ो और एक बार। मैं अपनी प्रजा इसराइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। ना सिर्फ मैं उन्हें लेकर आएगा, उनको बसाएगा और वे भी उसके बीच में। That's all. That's true love. I thank God that He loves me. आपको पता है अहंकार मुझे बोलता है, मैं मार खाता था प्रभु से, मैं रात को प्रभु को कहता I know you truly love me। अब मुझे पता चला तुम से प्यार करता, अब मुझे पता चलता है कि तू मुझसे प्यार करता है।
तुम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बहुत दिल से गलत चीज बोलने हो जाता है। एक बार कुछ दवा चाहिए था मेरे को, लोगों को मालूम है ना मैं बदमाश आदमी, मैं एक दवा करी निकल गया, वो उसका ग्लास का बॉटल में दवा मिलता वो जमाने में, वो आयुर्वेद दवा है, वो लेकर आता। एक सुंदर लड़की जा रही है तो मैं उसको ऐसा देख, मुझे लगता मुझे पता है पाप है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा पाप मुझे लगता है परमेश्वर का बेटा छोटू है, फिर भी इसको देखते इसको देखते एक किसी को धक्का मारा बॉटल नीचे गिरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया, मेरे पास पैसा भी नहीं, बहुत मार खाया लेकिन मैं बहुत खुश हुआ। मैं बोला प्रभु आई नो यू लव मी, तू मुझसे बोल क्या। फिर मैं सुंदरियों के पीछे नहीं गया, पीछे नहीं गया मैं, देखा मुझे ये कहा गया था वो हमसे प्यार करता, हमसे इतना प्यार करता, इतना प्यार करता, इतना मेरा मम्मी भी नहीं कर सकती। उसको फाड़ते आया, फाड़ना करते आया, and I knew he loved me, and he still loves me। वो आपसे उससे ज्यादा प्यार करता, हम आगे बढ़ता। अरे कहाँ जाना, नया नियम में आगे बच गया हूँ। 18 अध्याय मत, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा, यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। तो भाई को अगर बचाना है पाना है तो क्या करना है, उसको समझा। अशोक भाई गला लगा के चूमना नहीं, तो इधर आ चांदी ब्रदर, इधर आ, क्या किया क्या कहा तूने, अरे उसको जाओ अच्छा तब कहो नहीं है कहना चाहिए। लड़का आके कहता पिताजी मैं तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, ये यीशु ने कहा पौलुस नहीं, चांदी ब्रदर में तो बिल्कुल नहीं, यीशु ने कहा। यीशु गलत चीज कहता नहीं, सही होगा नहीं है सही होगा। अब आगे बढ़ता है लुका में आता है, वो भी यीशु कहता हो लुका 17:3, सचेत रहो यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। क्या करेगा तो क्षमा करना है, लोग क्या कहते हैं सबके क्षमा करो क्षमा करो, मेरे क्षमा करने से उसको उसकी क्षमा होता है क्या, क्षमा करेगी। मेरा दिल जब तक कठोर है मैं मेरे गलती नहीं मानता, मैं वो क्षमा को प्राप्त कर सकता हूं। हम लोग गलत शिक्षा देते हैं और सीख क्या है, आप मुझे समझा डांटो सिखा, मुझको थोड़ा गुस्सा दिलाएगा तो भी चल, बाद में मैं पछता। यीशु ने कहा मैंने नहीं कहा, हम आगे बढ़ते हैं। हमें कहां जाना, अभी रोमियो में चलना 12:9 हाजी 9 और 10 दोनों, प्रेम निष्कपट हो बुराई से घृणा करो भलाई में लगे रहो। प्रेम निष्कपट होना है तो बुराई से घृणा कर, जब तक मैं वो नहीं करता मेरा प्रेम कपटी प्रेम है, कुछ भी करेगा तो चलेगा वो नहीं है, वो कपटी प्रेम है, कपटी प्रेम से सब देखो। तो प्रेम निष्कपट होना है तो बुराई से मुझे घृणा करना, आगे भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो परस्पर आदर करो। भाईचारा का इसीलिए मैं दुनिया वालों को करेक्ट करने पे नहीं लगाऊं, ये भाईचारा का उसने किया तूने एक शब्द नहीं बोला, वो मेरे हाथ के अधीन नहीं, पड़ोस का लड़का लो वो मेरा नहीं है, मेरे बच्चे लोग मेरा है, मेरे परिवार का नहीं हमारा है। समझ में आ, ये है भाईचारा का प्रेम, इसको बोलते स्वर्गीय प्रेम, संसार का प्रेम नहीं। ये आगे बढ़ता है भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो
परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चढ़ो। अगर बढ़कर चलना है, कंपटीशन करना है, तो एक दूसरे का आदर करने में नीचे गिराने में नहीं। भैया ये स्वर्गीय प्रेम का महत्व है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिवाइन लव। हम आगे बढ़ता है, हम कहा जाना है? 13:10। हाँ, 13:10। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। ओ, प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता। अशोक भाई मुझसे ज्यादा प्यार दिखाता है, गलती किया तो भी घर में बुला के खाना खिलाता है और कुछ गिफ्ट भी देता है। आप मेरा भलाई नहीं चाहता, आप मेरा दुश्मन है। दुश्मन, यू आर डिस्ट्रॉइंग माई लाइफ। वचन ऐसा सिखाता है। कलीसिया से प्यार करते तो कलीसिया में सिर्फ सिर और पूंछ का ही भाषण नहीं होगा। कभी कभी ऐसा ही वचन शायद सुनाया जाएगा। हम परमेश्वर को माफ करते हैं। विल फॉरगिव गॉड फॉर सेइंग सच वर्ड टू अस। परमेश्वर को महान दास था, ये नहीं रहा कि वह वचन कहते। वो हमेशा कहता फॉरगिव गॉड फॉर स्पीकिंग दास। ऐसे कठिन शब्द है, आपसे बात किया परमेश्वर माफ कर। हम आगे बढ़ते हैं। कहां जाना है हमें? परिवृद्धि में जाना, 5 अध्याय से पढ़ना। और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता है। अरे ये बहुत लंबा चौड़ा पाप है यार। एक मनुष्य ने बहुत बड़ा पाप किया और ये लोग बड़े अहंकार से क्या कहते हैं, हमारे बीच में सर वरदान प्राप्त है, हम सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलने वाला है और हम सबसे ज्यादा भविष्यवाणी देने वाला है, हम सबसे ज्यादा बपतिस्मा देने वाले। ऐसा नहीं, एक विषय एक वृद्धि के विषय में कहते, लेकिन पाप को तुम लोग बर्दाश्त कर देते हैं। क्या घमंड की बात करते, निकाल दो वो मनुष्य को तुम्हारे बीच में से। गंभीर बात है, हमें नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ो, उसका 11 वचन पढ़ो। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी मत। कहता है दुनिया में लोग बहुत कुछ करता होगा, तू सब उसके पीछे लाठी उठा कर नहीं चलना। कुछ लोग पूछते अरे बाकी लोग कुछ भी कर, बाकी लोग बहुत कुछ करेगा। जो भाई कहलाता है उसको ऊपर न्याय करना तुमको, और लोग बहुत कुछ करता होगा उसे प्यार दिखाओ। जो लोग जो गलत काम करता है ना उसको थोड़ा सा प्यार से व्यवहार करो, कभी वो परमेश्वर को जाने। लेकिन परमेश्वर को जानने वाला भाई कहलाने वाला व्यक्ति ऐसा करते रहे तो उसके साथ खाना भी नहीं खाए। ऐसा लिखा गलत हो सकता है क्या? नहीं, वचन गलत हो सकता, मुझे लगता है गलत नहीं है, गलत नहीं है। इसके लिए आखान को उन्होंने ऐसा किया, आखान के साथ ऐसा किया। तो हम लोगों को मार डाले, मुझको दिखा आप जो कर रहा है वो गलत है। हम नफरत करता है, हम नफरत करते हैं। आपका और मेरा कोई संबंध नहीं है। जब तक आप पूरा पश्चाताप करके गलती मानकर मार्ग को नहीं सुधारता तब तक हमारा और आपको कोई संबंध नहीं। चाय पे नहीं बुलाना, मैं नहीं आऊंगा। हेलो बोलेगा तो मैं दोबारा हेलो भी नहीं बोलूंगा। मैं नहीं मुस्कुराऊंगा। बहुत बड़ा गलती है वचन के अनुसार। मैं नहीं करता, ऐसा कर नहीं पाता, हिम्मत नहीं है, लेकिन ऐसा वचन सिखाता। 13 परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता। बाहर वाले का कार्य वालों को परमेश्वर देखेगा, कलीसिया का कार्य तू देखो। पौलुस कहते कलीसिया में न्याय करने के लिए कोई अगुआ नहीं है क्या? उधर कोई प्राचीन नहीं है क्या? कौन सी कलीसिया है तुम्हारा? बाहर के लोगों का क्यों उसका सहारे की क्या जरूरत है? कलीसिया में न्याय होनी है तो यहां अगुआ लोग है, यहां प्राचीन लोग है। नहीं, उसे वचन मैंने चुन के नहीं लिया, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। वो तो बाहर वाले कुछ भी करेगा,
उसको डांटना नहीं, उसके पीछे नहीं पड़ना है, समय दे दो, कभी वो पश्चाताप करके आएगा तो ठीक है, लेकिन यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको डांटना है, समझाना है, नहीं है उसको अकेला करना है। कितना समय के लिए? 7 का 16। क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। अभी शादी हो गया, एक घर में मेरा जन्म हुआ, मैं मेरा माता पिता को बदल सकता? पति पत्नी को त्याग सकता? नहीं। तो मैं किसके लिए वह घर में रखा गया है? मैं सोचूंगा, मैं ये घर का याजक हूं। I am the priest in this family. I am the deliverer. मैं बने रहूं, बिचवाई करता। How many men and women of God have led their parents to the Lord? कितने बच्चों लोग अपने माँ बाप को प्रभु में ले आया है? कितने कहानी? Many children have become parents to their parents. मैंने कुछ कहा? कितने बच्चे लोग अपने माँ बाप के लिए माँ बाप बन गया है? Oh, that is blessedness. उसमें धन्यता है। Amen. एक स्त्री को कहता, तू तारे समान चमकोगी, तेरा पति एकदम जंगली जानवर जैसा है, लेकिन तेरा स्वभाव और तेरी प्रार्थना और तेरी नम्रता के कारण वो एक दिन प्रभु में आएगा, बच्चा तब करेगा, तो तू आसमान की तारा समान चमकोगी। पति के विषय में भी वही कहता, ये माँ खान प्यार है, ये सीओ की प्यार है, ये है सच्चा प्यार। Not because I like it, but because I am chosen for it. मुझे अच्छा लगता उसके कारण, मैं उसके लिए चुन लिया। मैं आगे बढ़ता। हमें 16 में आना। 13-14। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जो कुछ करते, I'm sorry, I should have switched off. माफ करना। जो कुछ प्रेम से करते, क्या मतलब है? इससे दूसरा व्यक्ति का क्या लाभ होगा? मैं उसको आपत्ति से बचा रहा हूं, या उसको पाप की ओर बढ़ा रहा हूं? प्रेम, एक दूसरे की भलाई चाहने वाला प्रेम है। हम आगे बढ़ते, जो भी करना, ये सवाल हम आपसे करते हैं। तो दूसरी कोरिन्थियों में चले जाएं, 6 और 7। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है, इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो। अभी पौलुस कहते, जैसा मैंने कहा वैसा तुमने उसको निकाल दिया, यह है, तुम तो खाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया, वो बेचारा रो रहा है। अभी वैसे ही बच्चा था, अभी तुम उनको, दिस इज ट्रू क्रिश्चियन लव, उसके पहले नहीं, वो बाइबल लेके घूमता होगा, बाइबल पढ़ता है उसके, नहीं, जिस परमेश्वर की निंदा उसने की है, उसके चरणों में आके की है, माफ कर, क्षमा। क्या आप उससे अच्छा आदमी है? नहीं, उससे खराब। मुझे भी डांट की जरूरत है। अभी जितना वचन है आपको पढ़ के जाना है बस, नहीं तो बहुत बहुत लेट हो जाएंगे। पहले तो सुनने में जाना है, 5 अध्याय से 12-13 पढ़ना। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, और आपस में मेल मिलाप से रहो। कुछ कुछ ट्रांसलेशन में पढ़ेगा तो उसमें लिखा है, दोस्तों एडमोनिश यू, डांटने वाला,
डांटने वाले का आदर करूं, क्योंकि वो लोग तुम्हारा भला ही चाहता है। मोने ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, നിനക്ക് ഒരു ദോഷവും വരില്ല, ഒരു ലാഭവും വരില്ല, ഒരു ദുഃഖവും വരില്ല, മോൻ ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്നവൻ അവനെ നശിപ്പിക്കുക. മോനെ ദൈവക്രോധം നിന്റെ മേൽ വരാതിരിപ്പാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പശ്ചാത്തപിച്ച് പാപ്പു പറയാ, വീടെടുത്ത് വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവനെ രക്ഷിക്കേ മലയാളം പോലെ. सकेना, अरे गलती तो हो जाते हैं, तू साथ चलना यार, मैं भी इससे बड़ा गलती किया है, मैंने गलती किया है, प्रभु ने माफ किया है, नहीं तो आप उनको भला ही नहीं चाहता। ऐसा शिक्षा देने वाला तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ऐसे डांटने वाला तुम्हारा दुश्मन नहीं है। Those who rebuke you are not your enemies, they are your true well-wishers. सब आगे बढ़ते हैं, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे आयो, ताकि और लोग भी डरे। ये क्यों करता है? मुझे बहुत तकलीफ था कि अनन्या सर सफीरे के साथ जो हुआ, मैं कभी कभी ऐसे प्रचार करता, अभी नहीं होगा ऐसा, बाद में मैं पिछले हफ्ता में भी इतने परमेश्वर के दास लोगों के इतिहास मैं तो खाने प्रभु आज भी तो ऐसे ही कार्य करता, मैं कहा शरीर मनुष्य को देखता था मेरे सामने हुआ, मेरे तो अभी अपने वर्ग इसके जीवन से इतने उदाहरण और कुछ कुछ पास्टरों के नाम लिया, आप भी हो रहा है ये सब। अब परमेश्वर को कभी हल्का से नहीं देता, हम परमेश्वर का भाई मानते हैं। ये क्यों करना है, सबके सामने क्यों डांटना है, ताकि लोगों में भाई, वही वो पास्टर उसका भाई पास्टर को कहा मैंने ये किया, सही दृष्टांत दिखाया, यानी एक लोगों के लिए है। अगर आप मुझे डांटता, मेरा गलती यहां बोलता, अनेकों का आशीष का कार्य बन जाएगा, वो लोग ऐसे गलती नहीं करेगा, छुपाएगा तो मैं भी मिटूंगा, आप भी अनुग्रह नहीं पाएगा, अनेक लोग वही मार्ग से चलता रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम दूसरी तिमोथी के 4:2 पढ़ते हैं। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। ये उलाहना देने का अर्थ क्या है? तो उलाहना भी देना है, सिर्फ अच्छा अच्छा प्रचार करना ही नहीं है, एक्सोटेशन इज ए मस्ट, एट द सेम टाइम इवन रिब्यूक इज ए मस्ट, माइक चुप हो जाएगा तो भी मैं चुप नहीं हो जाऊंगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, उसको कहते हैं संसार, स्वर्गीय प्रेम संसार के प्रेम से अलग है। हम सब थोड़ी प्यार करो, लेकिन एक दूसरे को बनाएगा, यू विल करेक्ट ईच अदर, यू विल बिल्ड अप ईच लाइफ। हम आगे बढ़ते हैं, इसके लिए ये तिमोथी युवक है, लड़का है, उसको उन्होंने मिशन बनाया, बोलते तू प्रचार करेगा तू चुप नहीं बैठेगा, और भी बहुत वचन में नहीं पढ़ता, बोलते तू डरने का नहीं, उदाहरण दो, रिब्यूक एंड एक्सॉर्ट, दैट साइन शुड बी बिल्ट अप। अभी हमें पता चलता सीओन के पत्थर और धूल से मुझे प्रेम है, प्रभु तू बना बोलने से सीओन नहीं बनती, आप और मैं बनाएगा, एक दूसरे को हम बनाएगा, सियोन के निर्माण करने वाले यीशु के सहकर्मी आप और मैं, क्यों हम सियोन से प्यार करते हैं? We are the co-laborers with Christ Jesus in rebuilding Zion, cause we love her. उसे सच में प्यार करते हैं, मांग बढ़ते हैं। तीतुस 1:13-14 वो भी एक युवक है, हाँ बोलो, यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाए और यहूदियों की कथा कहानियों और मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाए,
जो सत्य से भटक जाते हैं। ये चीज छोड़ना, दो चीज करना, ऐसे बड़े हिम्मत से, थोड़ी सी क्रूरता से बुलाना दे, चेतावनी दे, ये बाकी सब चीज के पीछे मत जा। उधर ये गिरा, इधर ये आया, उसका कलीसिया में ऐसा सिक्का था, ये परमेश्वर का दास का कलीसिया में कुछ भी होने दे। हम कौन सा भी कलीसिया का नहीं है, हम यीशु क्रिस्त के कलीसिया का। अरे कुछ लोग मुझे ऐसे बड़े उपदेश देता है, वो महान आदमी ने ऐसा कहा, कहने दे, इसका कलीसिया में होने दे। वचन क्या कहता भाई, वचन क्या कहता है, मैं क्या कहता वो नहीं, मेरी इच्छा क्या है वो नहीं। मेरी इच्छा अगर बोलोगे तो हम लोग हंसेगा, लेकिन वचन में ऐसा नहीं लिखा है। तो वचन जो आज्ञा देता है वो हमारे लिए प्रमाण, प्रमाण है, प्रमाण नहीं, जो क्या बोलता है, दैट इज द बेसिस, वो है हमारा बुनियाद। हम आगे बढ़ते हैं, अभी अभी तीसरे अध्याय का 10वीं पढ़ना। किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझा कर उससे अलग रह। तो कुछ पाखंडी लोग ऐसा है, कितना भी बार समझाए वो लोग सुधरेगा नहीं। तो ऑफिस छोड़ना है, बॉस को डांटना है, ये बॉस और ऑफिस की बात नहीं, कलीसिया की बात है भाई। आप लोग फिर भी नहीं, नहीं क्या बोलते हो आप लोग, मैं इतना चिल्ला के क्या समझते हो, बाहर के लोगों के विषय में आप इतना चिंतित भाई रहना, उनको सुसमाचार सुनाना, ठीक है। ये कलीसिया में आकर कलीसिया को मलिन करने वाले लोग है, और वो सही करके उपदेश निकालने वाले लोग है। They are the people who contaminate the church of God. With their wrong inclinations and teachings and encouragements and persuasions, they destroy my people. वह है पाखंडी होना, उसे दूर रहना है, दुनिया वाले के साथ नहीं। हम आगे बढ़ता है, इब्रानी 12:6 और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। प्रभु प्यार करता है तो वो ताड़ना करता है, प्रभु आपका ताड़ना नहीं करता। तुम पवित्र आत्मा शो की दुआ है, इफ गॉड हैज सीस्ड disciplining me, I have grieved the Holy Spirit so much that he has gone inactive in my life. अगर मेरी ताड़ना नहीं करता, परमेश्वर से मुझे डांट नहीं पड़ता, उसका मतलब है मैं पवित्र आत्मा को इतना शोकित किया है, वो मेरे पीछे पड़ना छोड़ दिया है। ये ना हो जाए, हम क्यों प्रार्थना, वैसे प्रार्थना करते, हे पवित्र आत्मा तू उसके पीछे पड़। Like a hound of heaven, स्वर्ग के शिकार कुत्ता की तरह तू पीछे पड़। Give him no rest, O Lord. मेरे मित्र, सनिकुल्ला का मित्र बाद में मेरा मित्र बन गया, बड़ा पास्टर है। बचपन में उसकी एक प्रार्थना थी, एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने के बाद हम लोग बैठ कर प्रार्थना, मैं नहीं सुनाता वो सुनाता, हमारा काम वो नहीं है, मैं तो भाषण देने वाला आदमी है, कोई जुड़ता भी नहीं, वैसे प्रार्थना करता हूँ। एक एक के नाम वो याद लिखता, हम लोग नुक्कड़ में नुक्कड़ क्रॉस रोड्स में इसे सब कड़े के भाषण देते, भाषण में देता दास, ये लोग बीच बीच में जाके लोगों को सुसमाचार सुनते, सब नाम ये अपनी याद करता। और हम लोग एक कलीसिया के आंगन में जाके बैठता, और एक एक नाम किशोर को नहीं छोड़ना, उसका ऐसा परेशान करना, उसको ऐसा परेशान करना, ट्रबलिंग माय लॉर्ड, गिव हिम नो रेस्ट ओ लॉर्ड, उसको परेशान करते जा, जब तक वो बच्चा तब नहीं। व्हाट ए प्रेयर, वही एयर फोर्स का आदमी है, मस्त इंग्लिश है, वही से बात कर, ऐसा प्रेयर करके, लॉर्ड ट्रबलिंग सो मच, डिस्टर्ब हिम सो मच,
परमेश्वर प्रार्थना करता उसका मतलब है वो हमसे प्यार करता है। हम आगे बढ़ते हैं, पहले पत्रस बहुत बड़ा है वो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अधिक सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। वचन है ना, ये भाग है ना, आपको बड़ा ध्यान से पढ़ना है। yeah. इसी के पहले बात का इतने गलत व्याख्या कर कर हम एक दूसरे को खुश करते हैं। सच्चा प्यार से सारा पाप दाम दिया जाता है। यही बात हम गलत समझ के पागल की तरह कहते नजरअंदाज कर। Close your eyes and sin of the world, so you will cover it. उसका मतलब वो है नहीं। Hallelujah. Before the enemy could point his finger at him, keep on accusing him and destroy him. If you truly love that man, you will speak the word. तो नीचे लिखा है, तू सही वचन बोलेगा, सही शिक्षा देगा, उसको पश्चाताप में लेकर आएगा। You will not allow him to be ridiculed. You will not allow him to be stripped in the world. You would have covered him up. सही पश्चाताप में तू लेकर आओगे, सही वचन बोलोगे, हिम्मत से बोलोगे, शिक्षा दोगे, पश्चाताप कराओगे, वो निश्चित नहीं होगा। You will cover up the multitude of sins. Jesus did not cover up any sin. Yes. But he gave us victory over sin. यीशु ने पापों को छुपाया नहीं, पाप को जीतने के लिए सामर्थ्य दिया। लड़की को नहीं कहा कि तूने गलती नहीं किया, अहिंसा तू नहीं करोगी। 38 बरस से बीमार था, उसको नहीं कहा तू सही इंसान है, उसको कहा अहिंसा पाप करोगे तो तेरी अवस्था इससे खराब होगा। ऐसा कहने वाले प्रॉफिट्स होना चाहिए कलीसिया में। We need some prophets. आगे बढ़ते हैं, परे योहन्ना में चल जाते हैं। 11 वचन पढ़ा उसका, उसको मैं गड़बड़ी में जाता हूँ। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। वो पास्टर ने जो सिखाया वो मत बोलो। ये कलीसिया जो करता है वो मत बोलो। वचन परमेश्वर का वचन बोलो। परमेश्वर का वचन के खिलाफ में जो भी बोला अगर इतवार के पहले मुझको बता, इसका अर्थ भी समझो। Let the devil never deceive the church of Christ. यीशु क्रिस्त की कलीसिया शैतान से धोखा नहीं खाना। वो वचन ही लेकर धोखा देते हैं। हम तो पहला योहन्ना में आते हैं, दूसरे अध्याय का 15 पढ़ता है। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। अगर संसार से प्यार करते तो पिता का प्रेम नहीं है। पिता का प्रेम स्वर्गीय प्रेम है। वो प्रेम से उसी ओर से प्यार करना है। ये सांसारिक चीजों को उसमें कोई प्रमुखता नहीं है, प्राथमिकता नहीं है। आगे बढ़ता है। When I start hating more and more of the worldly things and worldly attractions, then I know I am growing in love. मैं परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते आ रहा हूँ। उसका एक ही नियम है, मैं दुनिया से और दुनिया के आकर्षण से नफरत करेगा ज्यादा और ज्यादा। आगे बढ़ता, 14 अध्याय में आता 12। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम मुझ में बने रहता तो परमेश्वर जैसा बात करता वैसा मैं भी बात करूंगा। तो परमेश्वर को जानेगा, परमेश्वर कैसे बातें करता पूरे वचन में देख के आया। सारे भी नमकड़े कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी करो, ऐसे परमेश्वर ने नहीं कहा, डांटा, ताड़ना दिया और लौटा के लेकर आया, प्यार किया, पहले से ज्यादा।
ये प्यार तुझ में बने रहे। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है, परमेश्वर को दिखाना है, तो हमें ये प्रेम बने रहना, हमें सेवा में बढ़ते हैं। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखो। सिर्फ परमेश्वर के प्रेम रखता ऐसा नहीं है, भाई से भी प्रेम रखता। इसलिए अब एक दूसरे की बोझ उठाते हैं। That is why we bear each other's burden. We are concerned. We are concerned. मेरे पास्टर ने पिछले दिन एक व्यक्ति के विषय में कहा कि वो तो बहुत धर्मी समझते हैं अपने आप को, बहुत पवित्र इंसान है, संगीत प्रार्थना करना उसको प्रार्थना की जरूरत है, बंधन में है, ऑपरेशन में है, हम प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा उसको पीछे पड़ने के लिए। ये प्यार है, वो व्यक्ति को क्या मिलता है उसको पीछे पड़ के। उसने एक व्यक्ति का फोन नंबर मांगा मुझसे और कहा कि वो बंधन में है, उससे उसका क्या लाभ मिलता है, एक नया पैसे देते हैं कैसे, एक बार फोन भी नहीं करता। उसने उसको बपतिस्मा दिया है, एक फोन भी नहीं करता, लेकिन उसको चिंता है। सनी तू नहीं डांट सकता, मैं डांट सकता हूँ। डांटने का क्यों, प्यार बाहर का आदमी है नहीं है, परमेश्वर के संतान है, उसके हाथ से बपतिस्मा दिया उसको। ये स्वर्गीय प्रेम है, ये प्रेम मुझ में और आप में बने रहेगा तो जो अंधे की अदृश्य परमेश्वर है उसको लोग जानेगा। हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी योहन्ना में आए 10:11 पढ़े। इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है और इस पर भी संतोष न करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। कुछ लोग ऐसे होता है खुद नहीं सुधरेगा, लोगों को सुधरने को नहीं देगा, ऐसे लोग कलीसिया में नहीं रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि वो लोग कभी सुनेगा नहीं, बाकी लोगों को सुनने को भी नहीं देगा, ऐसे नहीं। अगर एक मनुष्य मेरे विषय में बोलना है तो बहुत चीज है, मैं आपको लिस्ट दूंगा, मेरे विषय में बोलने के लिए आपको लिस्ट चाहिए तो मैं दूंगा। झूठा आदमी है, बेकार इंसान है, मॉरली इतने बेकार है, सही सिखाता नहीं है, कोई परमेश्वर के जन से प्यार नहीं करता, और किसी किसी के पीछे पड़े तो हाथ धोकर पीछे पड़ता, नफरत करने वाला कराने वाला, ऐसे सारे विषय। इसका कितना भी बड़ा लिस्ट बना के और कुछ भी बोले मैं नाराज नहीं होऊंगा, मैं आपको लिख के देता, मैं उल्टा थोड़ा सा खुश होगा क्योंकि वैसा कुछ प्रतिफल मुझे मिले। उसमें एक चीज झूठा है, अब मेरे विषय में जो आरोप लगाता उसमें एक चीज भी झूठा है, एक प्रतिफल मुझको मिलेगा, एक छोटा सा मेडल। अब मेरा घर भी आएगा तो मेरा कोई ट्रॉफी मेडल कुछ नहीं है क्योंकि मैंने कुछ जीता नहीं। कोई नया नौकरी मिला थोड़ा पगार बढ़ गया, मैं सोचा 2-3 खरीद के रिप देखू, बाद में बोले ये अच्छा नहीं। अरे कौन सा भी घर में जाए तो सब जगह पे है, हमारे घर में कुछ नहीं है, इसका है जो मेरा बात करता है, मेरा कुछ नहीं है। तो मैं सोचा संडे स्कूल में मुझे छोटा छोटा मेडल वो सब संभाल के रखता तो कम से कम कुछ नहीं है। कुछ भी आरोप लगाए सच में बोल तो बचपन से मुझे तो खुशी आता कि कम से कम थोड़ा सा प्रतिफल शायद मुझको मिले, बाइबल में ऐसा लिखा है। लेकिन जब गलत वचन बोले गलत शिक्षा दे मैं सिंह बजूंगा, मैं चिल्लाऊंगा, मैं फोन करूंगा, मैं परेशान करूंगा, मैं सही हूं उसके कारण नहीं है, मैं भी कलीसिया से प्यार करता, मैं भी सियोन से प्रेम रखता, मैं आदमी बदलता है, मैं मेरे खुद का वकालत कभी नहीं करना चाहता, करता होगा नहीं करना चाहता। Contents of the precious holy faith ऐसा वचन में लिखा है, तो अति पवित्र अति महत्वपूर्ण कीर्तिमान विश्वास है उसके लिए लड़ते रहो, वो सच्चा प्यार है। हम आगे
आगे बढ़ते हैं। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उससे परमेश्वर को नहीं देखता। भलाई सच्चा प्रेम है, भलाई पवित्र प्रेम है, भलाई सियोन से प्यार करना है, यह है सच्चा प्यार। यह भलाई करते रहना, यह भलाई करते रहना, ऐसा प्रभु का वचन कहते हैं। मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रकाशित वचन में पढ़ने का भी जरूर नहीं है, बाई हार्ट जानते हैं। कौन सी एफिसियस की कलीसिया के लिए लिखा होगा वो, नहीं है? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। तू हत्या किया, तूने हत्या किया, व्यभिचार किया, चोरी किया, नहीं किया, प्रेम में गलती आ गया। वो परमेश्वर को व्याकुल करता, बड़ा बड़ा पाप किया, फॉरबिट किया, प्रेम में गलती है, करते दोबारा करेक्ट करेक्ट लाइफ। यस, जहां से गिरा है यस स्मरण कर। आई टू नीड टू यू डियर लिटिल बट आई हैव अ फ्रैक्शन ऑफ गॉड्स लव इन माय हार्ट व्हेन आई यू द लॉर्ड व्हेन आई स्टार्टेड टू ग्रो। बचपन में मेरे हृदय में ऐसा प्यार था, ऐसा प्यार नहीं, वो प्यार के काम से था। मुझे डर लगता है कि वो काम हुआ, जहां से गिरा याद करो, जहां से गिरा याद करो। मुझे विश्वास आया कि मैं प्रभु में आया करके, मेरा स्वभाव नहीं बदला, तो भी मुझे विश्वास आया मैं प्रभु में आया। मैं गलत इंसान ही था पहले से और बाद में भी, लेकिन मैं परमेश्वर का जन से ऐसा प्यार करने लगा कि मैं इसका वर्णन नहीं कर पाता। मुझे पता भी नहीं चलता इतना प्यार मेरे हृदय में क्यों आता है, जो मुझसे नहीं प्यार करता मुझको इतना एकदम अनटचेबल को हृदय में क्या बोलते अच्छुत मानता वो लोग, ये मानता हुआ ऐसा सब, लेकिन मेरे दिल में इतना प्यार है परमेश्वर का संतान है। कोई बाइबल लेके जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जाके इसको छू, मैं भी लव साइन, मैं भी लिफ्ट अप टू दैट प्लेस ऑफ जेन्युइन परफेक्ट लव, संपूर्ण प्यार, सच्चा प्यार, स्वर्गीय प्यार की ऊंचाई पे हम और आप खड़ा किए जाए, इसे प्रार्थना करें। कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर कम शब्दों में प्रार्थना करें और आज की ये सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। गलत सहमति के कारण यह हुआ है प्रभु, हमें माफ कर प्रभु।
गलतियां माफ कर प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु, और हमें हिम्मत दे प्रभु कि हम उसका विरोध कर पाए, क्योंकि हम सिओन के धूल से भी प्रेम कर पाए कि सच्चाई में हो प्रभु जी, तेरा प्रेम को हम दिखा पाए, वो सच्चा प्रेम प्रभु जी, डांट कर प्रभु, सुधार कर प्रभु जी, तेरे करीब ले आ पाए प्रभु जी, प्रभु हमारे भीतर, हमारी कलीसिया में, हमारे जीवन में प्रभु जी, तेरा आत्मा कार्य करे, निरंतर हमारे पीछे पड़े रहे प्रभु जी, जब तक हम सही पश्चाताप नहीं करते तब तक हमारे पीछे पड़ा रहे प्रभु, हमारे जन की सहायता कर, हमारे बच्चों की सहायता कर प्रभु जी, ताकि वो नष्ट ना हो प्रभु, मन पिरा कर प्रभु, और ऊंचाई में खड़ा होने के लिए प्रभु जी, सही पश्चाताप के साथ लौटा कर प्रभु जी, तेरे अनोखा प्यार को प्रभु जी अपना ले, तेरा सी प्रेम को अपना कर, तेरे प्रभु जी तारीफ के कारण बनने के लिए सहायता, तेरी कृपा से हम बन जाए प्रभु जी, तेरा चाहत के अनुसार हम बन जाए, यह आशा रखते प्रभु जी, अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को देकर हम विनती करते प्रभु जी, हर दरार भर दिया जाए प्रभु, हर ईंट मजबूती से बिठाया जाए प्रभु, सिय्योन की खूबी बढ़ता जाए, और तुमका बीच में वास करे प्रभु, और तू चाहता है प्रभु कि हम ऐसे बने, तेरा चाहत सिय्योन है प्रभु, सिय्योन तूने चाहा प्रभु, तेरे प्रेम के खातिर हम बन जाए प्रभु, अनोखा प्यार तो हमसे किया उसको कभी ना भूल पाए प्रभु जी, और कोई भी चीज प्रभु जी, कोई भी बात है प्रभु जी, कोई भी मनुष्य या रिश्ता प्रभु जी, या व्यक्ति या वस्तु प्रभु, हमें तुझसे अलग ना करे प्रभु, तेरी सहायता से, तेरी कृपा से हम कर पाए, इसके लिए तो हमारी सहायता, सारी आदर सारी महिमा तुझको देते इस नास्त्री के नाम से मान लो, परमेश्वर क्या निरंतर बने रहने वाले ईश्वर की ईश्वर, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता देव यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह चंगाई का सामर्थ्य का विश्वास, सनातन आशा लौकी गान हिम्मत स्वर्गीय ज्ञान समझता जीव सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति सब बाकी दौर को आई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना का त्याग और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग की सुबह हमारे देश हिंदुस्तान उसके सारे नागरिक और अधिकारी दुख संकट से और परेशानी से गुजरने वाले हमारे देश के और विदेश के लोगों के साथ, उनकी सहायता करने वाले लोगों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, और इसराइल और इसराइल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के बने आगमन तक भी निरंतर बने रहे, तो अपने परमेश्वर आपके साथ रहे और जरूरत को पूरा करे, स्वर्गीय शांति और आनंद से भरे, स्वर्गीय प्रेम में बढ़ने के लिए हमारी सहायता करे, यीशु के नाम में आमीन, और एक बार